हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो जो बिना एंगल के घुमाएगा उसको ज्ञान जल्दी होगा। हाँ जी, चलिए। तो सभी को नमस्ते। तो सत्र के पहले 10 मिनट लेके कुछ अनाउंसमेंट है। तो अभी तक आप लोगों को शायद पता ही चल गया होगा कि नागपुर में जीवन विद्या का वार्षिक सम्मेलन होने वाला है, जो 2 से 5 फरवरी में होगा। और ये हमारा 25वां साल है, तो रजत महोत्सव है। तो वी आर लकी कि नागपुर में ये एक बड़े पैमाने पे इस साल आयोजित हम करने जा रहे हैं। तो उसकी कुछ सूचनाएं, उसकी कुछ माहिती हम लोग आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। तो जितने भी लोग हैं जो जीवन विद्या से जुड़े हैं और नागपुर में रहते हैं, नागपुर का जो अध्ययन समूह है महाराष्ट्र का, उससे जुड़े हैं, वो लोग आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे सम्मेलन के अर्थ में। तो पहले तो मैं सोम भैया को पूछना चाहूँगी, मतलब आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे बताएं कि सम्मेलन का महत्व क्या है, प्रयोजन क्या है, क्योंकि वो सबसे पुराने अध्ययनार्थियों में से एक रहे हैं और हरि सम्मेलन के प्रतिभागी रहे हैं। तो इसका इतिहास सबके साथ एक शेयर हो जाए और इसके पीछे की क्या क्या उद्देश्य है, क्यों हमें इसमें इससे जुड़ना चाहिए, इसके बारे में सोम भैया कुछ रख सकते हैं। देखिए, जैसा कुबेन ने बताया कि 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन है। सम्मेलन का अर्थ ही है कि पूर्णता के अर्थ में मिलन, मिलन और स आगे लग गया तो पूर्णता के अर्थ में मिलन। तो बेसिकली देश भर में जितने भी लोग हैं, तो बहुत एक मोटी बात कहें तो सबके लिए एक जगह होती है जहां आपस में एक दूसरे से मिल पाए। दूसरा, देश में जितने भी कार्यक्रम, चाहे शिक्षा का मानवीयकरण है, व्यवसाय का मानवीयकरण है, और लोक शिक्षा के रूप में जो कुछ भी देश भर में काम चलता रहता है, और फिर बहुत सारा कंटेंट डेवलपमेंट और बहुत सारा स्वास्थ्य को लेके, उत्पादन को लेके, तो ये सभी लोग आपस में मिलते हैं और धीरे धीरे अपने ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी क्रम में जो भी सामयिक परिस्थितियां होती हैं उनके चलते सम्मेलन को कोई एक फोकस भी कभी कभी दे देते हैं। कभी शिक्षा पे फोकस कर देते हैं, कभी समाज पे, कभी स्वराज्य पे। तो इस तरह से मुख्य रूप से तो जो एक उसका महत्व यही है कि ऐसे एक दूसरे को सब कोई कैसे जानेंगे, और देश भर में जो कुछ भी हुआ रहता है उसकी किसी व्यक्ति को जानना उसकी भागीदारी के साथ ही होता है। तो वो लोग भी और वो कार्यक्रम भी, और उसमें जहाँ हमको सपोर्ट की ज़रूरत है और जहाँ कोई सपोर्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं और चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। तो इस क्रम में एक सुखद पहलू है कि महाराष्ट्र में नागपुर में इसका आयोजन हो रहा है, और मैं सोचता हूँ कि शायद इस बार ±1,000 लोग के आसपास आने की संभावना है। देखिए, विद्या को लेकर जितना भी कार्यक्रम है बहुत साइलेंटली चलता रहता है, तो ये कोई बहुत मतलब भीड़ इकट्ठा करने वाला मामला नहीं है। तो बहुत सारे लोग बहुत क्वालिटी के साथ अपनी अपनी जगह में काम कर रहे हैं, तो उनकी एक शेयरिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बढ़िया हो जाता है। जी, धन्यवाद। तो हर सम्मेलन का एक थीम भी होता है, तो इस साल के सम्मेलन का थीम को शेयर करने के लिए मैं हेमंत भैया को बुलाना चाहूँगी। भैया, आप संक्षिप्त में इस साल के थीम के बारे में रख दीजिए। थोड़ा सा आपका परिचय भी करते हैं। मैं हेमंत मोहरीर, विद्या से मैं करीब अभी 10 साल हो गए, 11 साल हो गए जुड़ा हूँ, और एक अध्ययनार्थी के हैसियत में काम कर रहा हूँ। तो इस वर्ष का थीम है, अभी शिक्षा के बारे में तो शायद बात हो ही गई होगी, तो जो भी ये प्रस्ताव है उसमें आपको कोई सार्वभौमिकता दिखती होगी, है ना। ये प्रस्ताव कहीं भी चलता है, कहीं भी किसी भी आदमी के साथ अपन ये बात कर सकते हैं।
तो इस दर्शन पे आधारित जो भी शिक्षा का स्वरूप होगा वो सार्वभौमिक कैसे होगा या कैसे है ना, अभी यहाँ है की बात है, तो सार्वभौमिक कैसे है और उसको कैसे हम उतार पाएंगे है ना इस धरती पर, ये मेन थीम है। तो 3 दिन का सम्मेलन है, 3, 4 और 5 फरवरी, और उसके साथ कुछ प्रदर्शनी और कुछ नागपुर के लोगों के लिए खास एक ओपन प्रोग्राम भी आयोजित हो रहा है। तो 3 तारीख की थीम, अभी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे भैया ने कहा इट्स अ शेयरिंग प्लेटफॉर्म बट देर इज़ अ थीम ऑल्सो। तो एक थीम जो है वो मैंने बताया कि दर्शन पर आधारित, यानी इस दर्शन पर आधारित सहस्तित्ववाद के प्रकाश में मानवीय शिक्षा का सार्वभौम स्वरूप, ये थीम है। पहला दिन हम बात करेंगे कि परिवार शिक्षा की स्थली कैसे है, कैसे हो सकती है, अगर नहीं है तो है ही, लेकिन अभी शायद उतने कॉन्शियस हम पेरेंट्स हैं नहीं। तो परिवार शिक्षा की स्थली, परिवार में शिक्षा का स्वरूप पहला दिन। दूसरा, फॉर्मल एजुकेशन में जो शिक्षा संस्थाएं और जो भी फॉर्मल स्ट्रक्चर है। और तीसरा दिन समाज में, है ना, तो परिवार समाज और शिक्षा का जो भी ढांचा खाँचा है फॉर्मल, उसमें ऐसे 3 दिन बात होगी। इसी के साथ एक प्रदर्शनी हो रही जिस इस दर्शन के प्रस्ताव के जो स्रोत रहे उनके बारे में और जो भी काम चल रहा है दुनिया भर में उसके बारे में, ये एक स्पेशल कार्यक्रम है नागपुर के लिए खास। और एक 5 तारीख को भट्ट सभागृह में, 5 तारीख रविवार है, सुबह 10 से 1 एक ओपन प्रोग्राम है, मतलब जिसको बोलते हैं ना पब्लिक प्रोग्राम। आप एक्चुअली जैसे अभी आप परिवार के सदस्य हो ही गए तो आप तो 3, 4, 5 तीनों दिन आमंत्रित हैं, है ना, और अगर नहीं हो पाएगा तो 5 तारीख को कम से कम सुबह 10 से 1 संडे है तो भट्ट सभागृह में आप आमंत्रित हैं, जिसमें इसको प्रस्ताव को एक संक्षिप्त स्वरूप में ही रखा जाएगा। और उसके साथ साथ जो 3 दिन का जो भी सार संक्षेप है वो भी रखा जाएगा। तो ये पूरा शिक्षा का स्वरूप कैसे, इस बारे में बात होगी। तो आपसे सभी से अनुरोध है कि आप सभी जरूर पधारें। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू भैया। तो थोड़ा प्रबंधन के बारे में, व्यवस्था के बारे में बताने के लिए मैं अशोक भैया और कौशल भैया को आमंत्रित करती हूँ। आप थोड़ी व्यवस्था के बारे में और जानकारी दीजिए। सभी को नमस्ते। मैं पिछले 2015 से इस विद्या से जुड़ा हुआ हूँ। सम्मेलन स्थल जो है ये हमारा रेशम बाग, तो सबको पता होगा ना रेशम बाग, तो रेशम बाग में स्मृति मंदिर है। तो स्मृति मंदिर में जहाँ पे 1000 से 1200 लोगों की रहने की व्यवस्था है, देश भर से तकरीबन 1000 से 1200 लोग सम्मेलन में आने की संभावना है, जिसकी वहाँ व्यवस्था की गई है। और उसका जो हॉल है उसमें 1500 लोग का आसानी से सम्मेलन हो सकता है, तो वह हमने तय किया है 3, 4, 5 फरवरी को। और 5 फरवरी को एक पब्लिक के लिए सारा ओपन, जैसे नागपुर के आप हैं, आप भी किसी को बताना चाहते हैं इसके संदर्भ में, तो आप उन्हें 5 तारीख को सुबह 10 से 1 के बीच आमंत्रित कर सकते हैं। जीवन विद्या का एक संक्षिप्त परिचय, जीवन विद्या क्या है, ये कंटेंट क्या है, तो हम कोशिश करेंगे 3 घंटे में उसे कवर करने के लिए। उसी प्रकार कार्यक्रम का आयोजन ये महाराष्ट्र अध्ययनशील परिवार समूह कर रहा है, तो महाराष्ट्र के सारे लोग जो है इसके आयोजन करता है, जिसमें नागपुर के लोग आप लोग भी होंगे। आप अपना यदि कोई कंट्रीब्यूशन इसमें करना चाहते हैं, जैसा क्या है कि वॉलेंट्री कुछ काम करना के चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से ही जो है ऑनरशिप आती है। हम यदि कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो ऐसा लगता है कार्यक्रम मेरा है करके, तो वो लेना चाहते हो तो आप अपना नाम मुझे लिखा सकते हैं, अदरवाइज आप सम्मेलन में आमंत्रित हैं। उसके अलावा 5 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें हम नागपुर से शिक्षा से जुड़े हुए सारे लोगों को बुलाना चाहते हैं। हर कॉलेज में जाके, जैसे जॉइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन हो गए, जिला परिषद के एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गए, तो यहाँ के शिक्षक लोग उसमें 3 घंटे के लिए, ये कंटेंट क्या है उनको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी आप जो है इसमें आमंत्रित है, और आप भी जो है अपने जान परिचित वालों को उसमें 3 घंटे के कार्यक्रम में बुला सकते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मेरा नाम कौशल जैन है और मैंने पहला परिचय शिविर 2018 में सोम भैया का ही किया था,
और 2018 से जीवन विद्या से जुड़ा हूँ। और 2019 के सम्मेलन में मैं नहीं जा पाया था, तो ये मेरा संभवतः पहला ही सम्मेलन है। और 20 और 21 की हमने तैयारी की थी नागपुर में सम्मेलन के लिए, लेकिन कोविड के कारण वो हो नहीं पाया। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है और आप सबको बताते हुए कि एक बहुत ही मतलब मेरा तो पहला ही एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन इतना पूरे देश से विदेश से जितने भी हमारे भाई हैं बहन हैं सब आ रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा वातावरण वहाँ होने वाला है। और 3 दिन मेरे तरफ भोजन की व्यवस्था है, तो आप लोग सभी लोग आमंत्रित हैं। यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन भी चालू कर दिए हैं और एक रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्म भी बनाया हुआ है हमने, तो आप उस पे उस लिंक पे भी जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू भैया। फाइनली मैं येवती दीदी और मनीष भैया को बुलाना चाहूँगी, आप आके जो प्रदर्शनी है उस पर थोड़ा आपकी संक्षिप्त में बात रखिए क्योंकि समय हो रहा है। आपका परिचय। नमस्ते सभी को, मैं येवती राठौर राठौर परिवार से हूँ और मेरा जीवन विद्या से जुड़ना 4 से 5 सालों से है और इसमें परिचय शिविर का दौर रहा, अध्ययन बिंदु का दौर रहा और पठन क्रम का दौर रहा और अभी अध्ययन के पृष्ठभूमि में हम ये कर रहे हैं, मतलब उसको जीने के प्रयास में है। तो पहली बार ऐसा सम्मेलन में प्रदर्शनी का इसमें एक इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें इसको एक थीम बेस बनाया गया है कि कैसे एक जो विद्या है शिक्षा की वस्तु है और उसको कैसे शिक्षा की वस्तु में जैसे अलग अलग संदर्भों में यूज़ किया गया है किसी कॉलेज में किसी स्कूल में, तो उसके बारे में बताया गया है। फिर उसमें जो जो श्रद्धेय बाबा जी हैं उनकी एक चरित्र के बारे में बताया गया है। फिर उसमें विद्या जो कंटेंट है कंटेंट के बारे में बताया गया है, 14 पुस्तकों के बारे में उसमें क्या सार के रूप में है। फिर उसमें फाइनली जो फल परिणाम के रूप में जो परिवार है जो इसको जीने के प्रयास में है और जो इसमें कोई श्रम से जो उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी एक प्रदर्शनी है। तो इस तरीके से एक ब्यूटीफुल प्रदर्शनी का हम तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब लोग उसको आमंत्रित हैं उसको देखने के लिए और उसमें भागीदारी के लिए। धन्यवाद। मैं मनीष राठौर हूँ और अभी नागपुर में रहता हूँ और हमारा परिवार रायपुर में रहता है। परिवार जो है वो अभी 2008 से हमारा पूरा परिवार, मेरे ख्याल से कोई चंद्रशेखर राठौर भैया का नाम अगर जानते होंगे तो मैं उनका छोटा भाई हूँ और हमारा पूरा एक तरीके से जो अभी सब राठौर परिवार से जान रहे हैं तो वो हमारा पूरा परिवार 2018 में एक साथ हमने जो 15-16 लोग हैं एक साथ बैठ के परिचय शिविर किए थे जिसमें पहला सोम भैया का हुआ था, भैया का जो हमारे बड़े भैया हैं। उसके बाद फिर हमने बैक टू बैक 1-1.5 साल हमने केवल परिचय शिविर किया पूरे परिवार के साथ। फिर अध्ययन हुआ और अध्ययन भी हमने एक साथ परिवार के साथ बैठ के पूरा अध्ययन भी किया, अध्ययन मतलब जिसको हम पठन बोल रहे हैं यहाँ पर पुस्तकों का जो पठन होता है तो वो हमने किया। और अभी फाइनली हमारे पूरे परिवार ने ये निर्णय लिया कि अगर शिक्षा की स्थली हम अपने घर के आसपास नहीं बना सकते तो जहाँ मौजूद है जैसे कि अछोटी संस्थान मौजूद है तो वहाँ पर हमारा पूरा परिवार वहाँ की सहमति लेते हुआ संस्थान की सहमति लेता हुआ वहाँ पर अभी निवास कर रहा है और वहाँ पर आगे शिक्षा का जो भी कार्यक्रम है उसमें तन मन धन से अपना कार्य कर रहा है। और यहाँ पर जब ये बोल रहे हैं तो उसका मतलब 6 महीने का इंटेंसिव एक पूरा कोर्स रहता है। तो आपके फैमिली में से कितने लोगों ने कर लिया? हमारी फैमिली में से ऑल सबका हो गया है। संख्या बताओ ना। संख्या टोटल 16 लोग हैं। 6 महीने का कितने लोगों ने? 6 महीने का 16 लोग। 16 लोग हाँ, और अभी 16 लोग और आने वाले हैं। एक परिवार से 16 लोग 6 महीने के अध्ययन से गुजरे हैं, उसमें आप समझ लीजिए 4 बुजुर्ग भी हैं जिसमें मेरी मम्मी पापा हैं 60+ और वो करते ही हैं, जब वहाँ रहते हैं वो जगह है तो फिर वो चलता ही रहता है कार्यक्रम। और उसके अलावा अभी दूसरा कार्यक्रम है नहीं तो अभी इसी कार्यक्रम में पूरा परिवार लगा हुआ है। कितने 6 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं तो मेरे को लगता है कि जैसे जैसे उसकी प्रायोरिटी इम्पोर्टेंस बनते जाएगी वैसे वैसे बहुत सारा हम ऐसा करते जाएंगे। मैं आप सबको जीवन विद्या के परिवार की ओर से पूरे परिवार की ओर से आमंत्रित करती हूँ ये रजत महोत्सव के लिए। ये आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर होगा, एक प्लेटफॉर्म को आप
सारे अध्ययनार्थी जो हमारे श्रेष्ठ भी रहे हैं, जिन्होंने हमको ये विश्लेषण करने में, आप जैसे कहीं पे बैठे हुए थे वैसे हम भी बैठे हुए थे, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम है ये। तो आप ज़रूर आइए, एक बार देखिए, 3 दिन में आपको बहुत सारी चीज़ें संक्षिप्त में समझेगी, आपका एक व्यू बन जाएगा और एक ब्लू प्रिंट आएगा, उसके लिए ज़रूर सबको आमंत्रित है। हाँ जी बोलिए, आपका ग्रुप कैसा है? आप तो भारी नहीं लग रहा है ना, वो बोर्ड साफ कर। नहीं नहीं उसको लास्ट वाले को नहीं मिटाएंगे, इसको बीच वाले को मिटा लो। हम भी कहाँ छूटने के लिए, हम तो सोच रहे हैं कोई पकड़ ले हमको। वो नहीं बस बस हाँ जी चलिए। तो बताइए कितने बात पूरी हो गई? तो ब्रेक के पहले व्यवहार और कार्य को लेके बात चल रही थी, क्या निष्कर्ष निकला? जीने की समझ होगी तो व्यवहार कर पाएंगे, नहीं तो खाने पीने की बात कर पाएंगे, फिर वो तो है ही। क्या चल तो अब थोड़ा सा इसको और फैलाते हैं। देखिए यदि अब आस्वादन क्रिया को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, आस्वादन क्रिया मतलब निरंतर सुख की चाहना। तो मानव कितने प्रकार से सुखी हो सकता है, क्या लगता है, गिन सकते हैं कि नहीं? मानव कितने प्रकार से सुखी हो सकता है? तो ये सारे को मिलाएं, सारे सुख को एक साथ जोड़ें, तो उसको कह रहे हैं एक मोमेंटरी है, एक डीपर है, एक सस्टेंड हैप्पीनेस। तो जो हम सारी इंद्रियों से जो कुछ भी कर रहे हैं वो मोमेंटरी है, संबंध में जो कुछ है थोड़ा और डीपर है, और यदि हम लक्ष्य की पहचानते हैं समाधान बराबर सुख बोल रहे हैं तो निरंतर है। तो बेसिकली मानव 3 प्रकार से सुखी होता है। एक जिसको रुचि मूलक बोल रहे हैं, एक मूल्य मूलक बोल रहे हैं, और एक लक्ष्य मूलक बोल रहे हैं। तो यदि ना रुचि मतलब इंद्रियां, मूल्य मतलब संबंध, तो इंद्रियां संबंध और मैं क्या पाना चाहता हूं, लक्ष्य मतलब मैं क्या पाना चाहता हूं, काला पेन थोड़ा हल्का है। तो यदि आदमी स्वयं को शरीर मानेगा, यदि जिंदा रहने को जीना मानता है, तो उसका सबसे ज्यादा सुख कौन सा होगा? और संबंध को कैसा स्वीकारेगा? मोहवश लक्ष्य के रूप में क्या माना रहेगा?
कि सुविधा मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। सुविधा पूर्वक जीने के लिए संग्रह, ये एक मॉडल है। दूसरा मॉडल भी उपलब्ध है कि ईश्वर में सारा सुख है, तो ईश्वर की भक्ति और संसार से विरक्ति पूर्वक जीता हुआ, तो भक्ति और विरक्ति भी एक लक्ष्य है सब कुछ। तो ऐसा मानव यदि जीने के स्वरूप को पा जाएंगे तो आस्वादन का स्वरूप कैसा होगा? जीना होगा तो लक्ष्य क्या होगा? मानव लक्ष्य होगा। तो जीना होगा तो सुविधा से सुख पाने की बजाय समाधान से सुख पाना हो जाता है। संग्रह से सुखी होने की बजाय समृद्धि पूर्वक जीना। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है वो दिख रहा है। तो सुविधा से सुखी होने की मानसिकता समाधान से सुखी होने की मानसिकता में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। संग्रह समृद्धि में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सारी भक्ति भय से मुक्त होने के प्रयास में है, इसलिए भक्ति अभयता में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे जब से हम यहाँ शिविर पर बात कर रहे हैं, कितने लोग ये कह सकते हैं कि मेरे कुछ डर कम हुए? कोई डर हमारे भीतर थे जो कम हुए, है ना? तो हम 7 दिन से क्या कर रहे हैं? भक्ति ही कर रहे हैं। यही भक्ति है। भक्ति का डेफिनेशन ही है भय से मुक्त होने के लिए किया गया प्रयास। तो हमारी भक्ति सफल है। और विरक्ति जैसा अस्तित्व में कुछ होता नहीं है, तो बेसिकली हम, है ना, जो नेगेटिव चीज है उससे विरक्ति या साधन से विरक्ति, तो ये सह अस्तित्व ही होता है। अस्तित्व सह अस्तित्व है और ये ही मानव लक्ष्य है। इस प्रकार सभी मानव के लिए मानव लक्ष्य की पहचान हुई। तो हमने देखा कि किस तरह से लक्ष्य ट्रांसफॉर्म होता है। अब सबसे बड़ा सुख क्या होगा? सबसे बड़ा सुख कौन सा होगा? लक्ष्य वाला सुख। और अब संबंध की पहचान कैसे होगी? अब संबंध की पहचान कैसे होगी? मानव लक्ष्य के अर्थ में अब जब संबंध की पहचान होगी तो हम मूल्यों के साथ में जिएंगे। मूल्यों का मतलब निरंतर भाव। जो निरंतर भाव है, अभी हमारे भाव में निरंतरता नहीं है। और इंद्रियों का क्या होगा? इंद्रियों का क्या होगा, है ना? इंद्रियां नियंत्रित रहेंगी। तो देखो, अभी तक हमारे पास 2 मॉडल हैं। भौतिकवाद में इंद्रियों की पूजा करना है और अध्यात्मवाद में इंद्रियों का हत्या करना है, खत्म ही कर देना, इंद्रियों वाला कोई काम नहीं करना। तो ये दोनों ही प्रैक्टिसेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको कहा कि संज्ञानशीलता के प्रकाश में इंद्रियों का जो सूत्र है, या पूरे दर्शन का जो एक मूल सूत्र है, संज्ञानशीलता के प्रकाश में, संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। इंद्रियां मतलब संवेदनाएं, नियंत्रित रहती हैं। ये कुछ नई बात निकल के आ गई अभी तक हमारे पास 2 तरह के मॉडल हैं। एक तरह का मॉडल एक फ्री सेक्स का मॉडल है, दूसरा मॉडल आदर्शवाद का मॉडल है। आदर्शवाद के अनुसार सेक्स की बात हम कह रहे हैं कि जब संतानोत्पत्ति करनी हो तो ही सेक्स की ओर जाओ, नहीं तो उसकी आवश्यकता नहीं। इधर भौतिकवाद में जब बात कर रहे हैं तो चाय पानी की तरह खुश होने के लिए, वो भी एक तरीका है, तो ऐसा भी हमने सब प्रयोग करके देखे। तो एक तरफ हम बोरियत की ओर गए, यदि हम फ्री सेक्स की ओर जाते हैं तो गाड़ी किधर जाएगी? अव्यवस्था और बोरियत की ओर जाती है, वो भी होता हुआ दिखाई देता है। और यदि हम आदर्श की ओर जाते हैं तो आदर्श प्रैक्टिसेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्वीकार ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य की महिमा, ये सब हमको कहीं मानसिक रूप से स्वीकार तो हो जाता है, पर प्रैक्टिकली मैं ऐसा जी नहीं रहा हूँ,
तो अपनी स्वीकार्यता और जीने में जो गैप दिखाई देता है इसी का नाम गिल्ट फीलिंग है। फिर वो मेरे को अपराध बोध के रूप में काटता है। तो एक तरफ अपराध बोध है, एक तरफ अव्यवस्था है, व्यवहारिक रूप में जीने का तरीका, जीने का रास्ता मेरे पास नहीं है। मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया, पुरुष के पास देखेंगे तो सुखी होने की दो ही जगह है, या तो वो समाधान से सुखी होगा, नहीं तो इंद्रियों की ओर जाना उसकी बाध्यता है, उसके पास रास्ता ही नहीं है। बातें हम कुछ भी करें, अंदर जो चलता है वो हम सबको पता है। महिलाओं के पास सुखी होने के लिए एक एक्स्ट्रा विंडो खुल गई, जिसमें कि जन्म देने की घटना के आधार पे एक बच्चे के साथ अपने भाव का जुड़ पाना, उसके भविष्य की सारी कल्पनाओं के साथ में अपने एक सुखद संसार को बसा लेना। तो इस अर्थ में देखेंगे तो एक तीसरी विंडो महिला के पास है। तो इन सारी बातों से हमारा ध्यान इस तरफ जाता है। तो यदि ये जो मैंने तीसरी विंडो कही थी, कौन सी विंडो खुल गई? ये संवेदनशीलता का चरम है। एक माँ को कोई शंका नहीं है कि बच्चा मेरे शरीर का हिस्सा है, मेरा ही है, मैं ही हूँ। तो बच्चा मेरे शरीर का हिस्सा है, तो जो कुछ वो अपने शरीर के लिए जितना भी कष्ट पा सके, लेकिन अपने बच्चे को कोई कष्ट नहीं हो, यही संवेदनशीलता है कि दूसरे के साथ अपनेपन का जो एहसास है। तो अभी ये शरीर के रूप में है, ये एहसास बायोलॉजिकली कितना भी आ जाए, यदि बायोलॉजिकली है तो क्यों जीना है, कैसे जीना है, तो हम नहीं बता पाएंगे। बच्चे की सेवा कर पाएंगे तो संवेदनशीलता पूर्वक हम दूसरे की सेवा कर सकते हैं, उपकार नहीं कर सकते। इसलिए उपकार एक शब्द हालांकि पहले भी है, लेकिन उपकार शब्द को यहाँ डिफाइन किया गया जीने के अर्थ में। तो सेवा शरीर की सेवा के अर्थ में, उपकार दूसरे को जीने देना ही जीना है, इसका नाम उपकार है। तो उपकार नहीं कर सकते बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के हम सेवा कर सकते हैं। बढ़िया, क्या समझ में आया? देखो, प्रैक्टिकली देखो, इन 7 दिनों में हमारी संवेदनाएं सहज रूप से ज्यादा नियंत्रित रहीं कि ज्यादा समय आप, जब आप आए थे, जब कोई भी शिविर शुरू होता है ना, तो पहले पूछते हैं आसपास घूमने का क्या है, ऐसा कुछ लोग पूछते हुए आते, फिर पूछते हैं आसपास में खाना कहाँ अच्छा मिलता है। ये पहले और दूसरे दिन चलता है, तीसरे दिन से समाधान समृद्धि शुरू हो जाते, फिर कुछ नहीं पूछता है, फिर ना रूम में कोई प्रॉब्लम आती है, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और सब कुछ ठीक चलता है। क्यों? क्योंकि मन लग जाता है। तो एक बात ये ध्यान में आ गई कि इवन बहुत सारे लोग, जैसे हम तो कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई नशे पे भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई और चीज में भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, आपका सोना उठना भी नियंत्रित होने लगता है। तो इससे एक बात समझ में आ गया कि किसी को गलती है को उसको ज्यादा छेड़ने का कोई मतलब नहीं है, सही का वातावरण कितना अधिक से अधिक बनाया जाए, उसमें गलती अपने आप वाइंड अप होने की जगह में आ जाती। तो गलती है, ये मत करो, वो मत करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, से संबंध में गैप ही आता है, क्योंकि दूसरा अपनी कंडीशनिंग के अनुसार वैसा ही चलता है। हम उसको बार बार टोकते हैं और वो भी ठीक कर नहीं पाता है, क्योंकि सूत्र वही है, विचार लाइन में लगने से चप्पल लाइन में लगेगी कि चप्पल लाइन में लगने से विचार लाइन में लगेगी। तो एक बार जैसे जैसे हमारा विचार लाइन में लगते हैं, विचार में समाधान आता है, वैसे वैसे संवेदनाएं हमको तंग नहीं करती हैं और संवेदनाएं नियंत्रित रहें। खाना खाने का स्वाद लेते ही हैं, पर 24 घंटे खाना खाने के लिए नहीं सोचते, अपने आप नियंत्रित हो जाता है। तो ये एक बहुत राहत की जगह है, जहाँ कोई नियम नहीं लगा रहे हैं आपके ऊपर, आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इतना करना है, उतना करना है, सहज रूप से क्या नहीं करना है उसको छोड़ देते हैं, क्या समझना है, समझ की रोशनी में क्या करना है नहीं करना है, वो स्वतः ही अपने को समझ में आने लगता है और धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है। ये बहुत राहत की जगह है। तो ये क्या चर्चा किया, खाने का नशा उतरा नहीं है, क्या निकला? आस्वादन क्रिया को लेके चर्चा किया। मानव 3 प्रकार से सुखी होता है, भ्रमित रहेगा तो कैसे सुखी होएगा,
और जागृति की ओर जाएगा तो कैसे सुखी होगा। ये पूरी आस्वादन क्रिया की बात हो गई। अब हम फैल के बहुत सारा देख सकते हैं कि कैसे आस्वादन क्रिया काम कर रही है। कपड़ा का है? तो देखिए अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि ये ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाले को देख लेते हैं, और एक मन ये कहता है एक मन ये कहता है, तो थोड़ी सी चर्चा आस्वादन के बाद तुलन की ओर कर लेते हैं। ये जो तुलन क्रिया है, तुलन क्रिया का मतलब है कि आदमी की दृष्टि क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका नजरिया क्या है, व्यू पॉइंट क्या है। इसे कहते हैं ना किसी की दृष्टि खराब है ठीक है ना, मेरा एक मन ये कहता है, दिल ये कहता है, दिमाग ये कहता है। तो धरती के सभी मानव कितने प्रकार की दृष्टि रख सकते हैं, तो उसको बोला कि धरती के सभी मानव 6 प्रकार का दृष्टि रख सकते हैं। प्रिय, प्रिय का मतलब है जब मैं इंद्रियों को ध्यान में रख के देखता हूं तो प्रिय है। हित का मतलब है जब मैं शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर देखता हूं तो हित है। लाभ का मतलब है जब मैं धन को केंद्र में रखकर देखता हूं। न्याय का मतलब है जब मैं संबंध को केंद्र में रख के देखता हूं। और धर्म का मतलब है जब मैं अखंड समाज के अर्थ में देखता हूं, क्योंकि मानव धर्म क्या है, सुख, और ये सभी मानव का धर्म एक है, सभी मानव का धर्म एक है, यही अखंड समाज है। तो मैं अखंड समाज के अर्थ में देखता हूं। जब मैं सत्य को सत्य दृष्टि से देखता हूं तो इसका क्या मतलब हो गया, चारों अवस्थाओं में संतुलन के अर्थ, चारों अवस्थाओं में संतुलन के अर्थ में देखता। देखो ये समझने की बात है, धीरे धीरे क्या है कि शब्द शब्द तो किसी बात को इंगित ही करता है, उसको कनेक्ट हम ही करते हैं। जैसे न्याय, अब ये किसके बारे में, अब ये तुलन कहाँ कौन कर रहा है, ये कंपैरिजन कौन कर रहा है? नमस्कार सभी को, ऐसे करो, ऐसे पूरा हाथ खोल के ऐसे करो, खाने का नशा नहीं उतर रहा है। हाँ, कहाँ पहुंचे, तुलन कौन कर रहा है, वृत्ति कहाँ किसके पास है, मानव के पास, तो तुलन मैं कर रहा हूं, तुलन मानव कर रहा है। तो जब वो प्रिय दृष्टि से देखता है तो जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वो देखता है, जब वो हित दृष्टि से देखता है तो शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में देखता है, जब वो लाभ दृष्टि से देखता है तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा देखता है, जब संबंध दृष्टि न्याय दृष्टि से देखता है तो संबंध को देखता है, धर्म दृष्टि का मतलब अखंड समाज के अर्थ में देखता है, और सत्य का मतलब चारों अवस्थाओं में संतुलन के अर्थ में देखता है। चलो आप में से कोई भी मेरे को ये समझा दो, जब सत्य बोल रहे हैं तो चारों अवस्थाएं क्यों बोल रहे हैं? वो याद है कि जब हमने मानव की परिभाषा किया था कि मानव न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीता है, याद है, मानव न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीता। भ्रमित मानव कैसा जीता है, भ्रमित मानव कैसा जीता है, सुविधा संग्रह भोग अतिभोग युद्ध और संघर्ष पूर्वक जीता है, ये ध्यान में आ गया। तो जागृत मानव समझदार मानव न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीता है, इसका क्या मतलब हुआ, जागृत मानव अपने में, अभी पूछूंगा मैं लौट के आपसे, जागृत मानव अपने में समझदारी को, अपने में समझ है तो कैसा जिएगा, तो समझ है तो उसको अपने मानव होने की समझ है तो दूसरे के भी मानव होने की समझ है,
तो मानव को मानव होने की समझ है, तो इसलिए दूसरे मानव के साथ भी ऐसा जीता है कि उसको भी, उसकी भी समझ पूरी हो जाए। और जैसे हमारा आप मिलके काम कर रहे हैं और हम दोनों की समझ पूरी हो रही है, इससे दोनों में खुशी है, तो इसका नाम उभय तृप्ति है। तो मानव की समझ संबंध में न्याय के रूप में प्रमाणित होती है, मानव की समझ समाज के रूप में, अखंड समाज सारी समझदार होने लगे तो क्या होगा, ये अखंड समाज है, ये न्याय दृष्टि, धर्म दृष्टि, सत्य दृष्टि का मतलब चारों अवस्थाएं, चारों सत्य मतलब क्या, सत्य मतलब क्या, खाली स्थान, मूल ऊर्जा, ईश्वर। तो सभी इकाइयां कहाँ हैं, मूल ऊर्जा में है। सारा प्रकटन कैसे हुआ है, सहअस्तित्व पूर्वक हुआ है, और मैं मूल ऊर्जा और सहअस्तित्व को समझता हूँ, इसका मतलब मैं चारों अवस्थाओं को समझता हूँ, इसका मतलब मैं चारों अवस्थाओं के साथ जीता हूँ। जब मैं जीता हूँ तो उसका नाम संतुलन ही है। बात पकड़ में आई? जब हम सत्य दृष्टि बोल रहे हैं तो सब कुछ उसमें आ गया ना, क्योंकि सत्य तो सबके आर पार है। तो सत्य मूल ऊर्जा सभी इकाइयों से आर पार है, सभी इकाइयां मूल ऊर्जा में हैं, नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक हैं, मानव उसमें न्याय धर्म सत्य पूर्वक है ना। एक समझदार मानव कैसे जिएगा, अपने परिवार में न्याय पूर्वक जिएगा, समाज में धर्म पूर्वक, अखंड समाज के अर्थ में जिएगा, और प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जिएगा, इसका नाम सत्य दृष्टि है। तो एक मानव में 6 दृष्टियां अधिकतम होती है। ठीक, अभी हम 6 में से कितने में जी रहे, अभी हम 6 में से कितना दृष्टि यूज कर रहे, 3 कैसे, तो अभी हम प्रिय हित लाभ में जी रहे, क्योंकि प्रिय हित लाभ पूर्वक 3 दृष्टियां जिंदा रहने के अर्थ में है, और ये 3 दृष्टियां जीने के स्वरूप में है। तो देखो क्या स्थिति है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ, ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग के साथ हम जी तो जिंदा तो हैं, ये तो हमने कर दिया, लेकिन संबंध में जिए और समाज ऐसा हो, प्रकृति ऐसा हो, ऐसा हम जी रहे कि ऐसी हमारी अपेक्षा मात्र है। और अपेक्षा भी कहाँ से बन गई, ये अपेक्षा पिछले 20 साल में ज्यादा बनी है, 20 साल में, 30 साल में। क्यों, रोज अखबार में आता है ग्लोबल वार्मिंग, रोज अखबार में आता है मर जाओगे, नहीं रहोगे, 50 साल बचे हैं और ऊपर जाओगे, है ना। तो जो कुछ हमको चिंताजनक बातें बताई जाती हैं, जितना एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, जितना ये सब माहौल बनने लगा है, उससे हमको लगता है कि यार ये ग्लोबल वार्मिंग ठीक नहीं है, पर्यावरण संतुलन, ये प्रदूषण वगैरह वगैरह, तो ये जीने के अर्थ में है। तो जीने की अभी हमारी योग्यता नहीं है, तो हम 3 दृष्टियों के साथ में जीते हैं। देखो अब ये भी हो जाए कि मेरा एक मन ये कहता है, दूसरा मन ये कहता है, अब कहाँ ये 2 मन, कहाँ ये 2 मन। आप बाजार गए, बाजार में आके अब मॉल में घुस गए, मॉल में घुस गए और आपको एक साड़ी पसंद आ गई, और वहां एक ही नहीं थी, कई थी। देखो बुरा मत मानना, है ना, अक्सर पति लोग जो है पत्नी के साथ शॉपिंग में जाने से घबराते हैं, क्योंकि एक साड़ी के चक्कर में वो कितनी दुकानें जा सकती है, कितने मॉल्स में छाने जा सकते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि इसमें क्या पसंद आता है और क्या पसंद नहीं आता। हाँ देखो ये शिविर का हिस्सा नहीं है ना, ये बाजू में, अच्छा आप तो काफी एक्सपीरियंस्ड है, बिल्कुल। तो इसी डिजाइन में कले अनेक कलर्स, इसी डिजाइन में दूसरा कलर, या इस कलर में दूसरा डिजाइन, देखो ये भी कम मुश्किल नहीं। हाँ वही नहीं करता, तो बाकी हर जगह में काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एक मन कहता है कि इसको ले लो, फिर दूसरा मन कहता है कि
रहने दो। अब ये दूसरा वाला कौन सा था? जब मैं धन दृष्टि से उसको देखता हूं तो मेरे को लगता है कि नहीं महंगी है। पहला मन कौन सा था? जब मैं प्रिय दृष्टि से देखता हूं तो मेरे को लगता है कि पसंद तो है। या जब मैं शरीर की दृष्टि से देखता हूं तो मेरे को लगता है कि पॉलिएस्टर है और अब गर्मी आ रही है। तो शरीर की दृष्टि से देखता हूं तो निर्णय अलग आता है, धन की दृष्टि से देखता हूं तो निर्णय अलग आता है, इंद्रियों की दृष्टि से देखता हूं तो निर्णय अलग आता है, फिर न्याय दृष्टि से देखता हूं दामाद जी के लिए लेना है। भाई आखिर कब तक साड़ी खरीदोगे? कुछ तो और लोगे नहीं दोगे? जब साड़ी लोगे तो दामाद जी के लिए भी कुछ लेना पड़ेगा ना। तो दामाद जी के लिए लेना है तो फिर महंगे सस्ते की बात नहीं, ले लो। ऐसा हम बहुत सारा सोचते हैं। तो अब ये क्लैरिटी आ गई। देखो अब आपको, अब आप जब जियोगे जिंदगी तो आपको बिल्कुल पता रहेगा कि इस क्षण में कौन सी दृष्टि से सोच रहा हूं। ध्यान में आएगा? इस क्षण जैसे हम शिविर में बैठे तो यहाँ कौन सी दृष्टि काम करती है? कौन सी दृष्टि काम करती है? न्याय धर्म सत्य। संबंध में यहाँ सारा बैठने का आकर्षण क्या है? बार बार एक ही बात आती रहती है, संबंध में तृप्ति पूर्वक जिया जा सकता है, ये समाज भरोसे लायक जगह बन सकती है और फाइनली सुख की निरंतरता हो सकती है। तो सुख की निरंतरता हो सकती है, संबंध पूर्वक जिया जा सकता है, परिवार में भी जिया जा सकता है, समाज के साथ भी जिया जा सकता है और नेचर के साथ भी जिया जा सकता है। तो जो कुछ भी शुभ कामनाएं मानव में है उन सब का पोषण होता है। और एक बहुत बढ़िया सूत्र है, एग्जैक्ट शब्द मेरा एक मिस कर रहा है, लेकिन शुभ कामनाएं मानव में जितना तीव्र, जितना फैलते जाती है उतना काम का शमन होता है। काम, काम मतलब इंद्रिय सुख, घूम फिर के जाएगा वो सेक्स की तरफ। जितना हमारे भीतर शुभ कामना विस्तार लेती जाती है उतना ही हमारे भीतर से काम का शमन होता है। काम का सारा काम किस बात, काम काम इच्छा किस बात के लिए थी? सुखी होने के लिए। वो सुखी होने की काम इच्छा सर्व शुभ में विलय हो जाती है, आपकी वो कल्पनाशीलता ज्यादा बड़े सुख में विलय हो जाती है और वही संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनशीलताएं नियंत्रित रहती। तो इस रूप में हमने देखा कि किस तरह से ये दृष्टियां हमारी काम करती है। बढ़िया, ध्यान में आ गया, आगे चले। अब देखो, अब दो एग्जाम्पल लेते हैं और दो एग्जाम्पल लेके आगे बात करते हैं। जा रहे हैं कमल जी? चलो बढ़िया, शुभकामना, मिलेंगे। तुलन कितना? जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं तब तुलन कितना? आधा। तो जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, जिंदा रहने को जीना मानता हूं, तो 10 में से 4.5 क्रिया के साथ जीता हूं। इसको बोलते हैं भ्रमित मानव। 5.5 क्रिया चुप है, न्याय धर्म सत्य का दृष्टि मेरे पास नहीं है, न्याय धर्म सत्य की समझ मेरे पास नहीं है, इसलिए ऊपर वाले खाने में यदि जाएगा तो न्याय धर्म सत्य जाएगा, वहाँ नेगेटिव जाता ही नहीं है, नेगेटिव का एंट्री ही नहीं। जितने भी भ्रमित मान्यताएं हैं वो हमारी यहाँ पे रहती हैं। तो सारी इच्छाएं अभी क्या हो सकती हैं? जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, जब मैं शरीर मानता हूँ तो सामान से सम्मान की तलाश है,
सामान से सम्मान की तलाश है और सुविधा से सुख की तलाश। बस सारी इच्छा इतने के बीच में डोलती है। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका चित्रण, जो कॉन्शियस चित्रण है, वो पूरा खाली है। बच्चा माँ से पहली बार दूध पीता है तो उसको पहली बार मुंह से कोई चीज का उसका भूख मिटता है या उसको स्वाद लगता है। इसलिए आप छोटे बच्चे को देखेंगे, कुछ भी उठाएगा मुंह की ओर लेके जाएगा, क्योंकि उसको एक ही चीज का पता है। धीरे धीरे बाकी चीजों का पता चलना शुरू होता है। तो इस तरह से एक बच्चे के अंदर धीरे धीरे सारे चित्रण आने शुरू होते हैं और एक एक करके जवान होते तक बहुत सारा चित्रण उसके पास आ जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ, फिर इच्छा क्या चीज है, उसी चित्रण में से कोई चित्रण ऐसे उभर के आता है और मैं उसको देख के बोलता हूं कि मेरे को ऐसा करना है। तो इच्छा की क्या है, दो दो चीजें हैं। एक तो यहाँ पे जितने चित्रण स्टोर हुए हैं, जो कुछ भी आज तक मैंने भोगा है, या तो कोई चीज बाहर से आएगी यहाँ स्टोर हो जाएगी, या कोई चीज फिर यहाँ से जाएगी, चित्रण हम उस इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने कोई चीज खाने का, मैं मान लीजिए आपके यहाँ आया और आपने मेरे को कहा कि ये हमारे यहाँ कल आपने वो क्या है, गोला भात है ना, तो कोई नई डिश है मान लीजिए, तो आपने, मैं आप पे भरोसा करता हूँ है ना, कि आप जो भी खाने के लिए उपलब्ध कराओगे वो अच्छा ही होगा। तो आप पे, आपके प्रति विश्वास से मैंने खाने का चयन किया। तो मैंने खाने का चयन किया, नहीं तो यहीं से रिजेक्ट हो सकता है कि नहीं खाना है। खाने का चयन किया, उसके बाद जो मिला जो खाया, खाने का खाना है ये अपने में चयन किया, खाया, उससे कौन सा स्वाद मिला, स्वाद में कौन सा स्वाद है, रुचिमूलक। तो उस डिश से मेरे को रुचिमूलक आस्वादन हुआ, उसका जो आस्वादन हुआ उसका मैंने विश्लेषण किया, कैसा है, ऐसी चीज पहले खाई थी क्या, इसका स्वाद किससे मिलता है, मीठा है कैसा है, ये सारा विश्लेषण हुआ प्रिय में इंद्रियों, कौन सी दृष्टि है विश्लेषण करते समय, ध्यान में आ गया, हाँ जी, सभी साथ में चल रहे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपने कोई डिश खाने के लिए दिया, मैंने उस डिश को कहा कि हाँ ठीक है, मैंने उसका स्वाद लिया, कौन सा आस्वादन, रुचिमूलक। जो आस्वादन हुआ उसका विश्लेषण होता ही रहता है, याद करो जब आप कोई भी स्वाद लेते हो उसका विश्लेषण होता ही रहता है। विश्लेषण के मूल में दृष्टि को, जब भी विश्लेषण होगा उसके मूल में कोई दृष्टि होगी, तो यदि उसका विश्लेषण कर रहा हूं तो अब दृष्टि कौन सी है, प्रिय दृष्टि। तो प्रिय दृष्टि के आधार पर विश्लेषण हुआ, और यदि वो उसका, जब जो भी तुलन हो रहा है वो उसका साथ में आस्वादन हो ही रहा है, सब एक साथ चल रहा है, तो वो मेरे को स्वीकार हो जाता है, वो तुलन मेरे को प्रिय दृष्टि के हिसाब से उसका तुलन हुआ और वो आस्वादन मेरे को स्वीकार हो गया, तो वो चित्रण में चला गया। है? हाँ, वो तो फिर सारी सारी दृष्टियां हो सकती हैं, लेकिन ये ध्यान में आ गया है ना। आपने कोई फिल्म देखी, फिल्म का आस्वादन हुआ, उसका विश्लेषण, उसमें कोई आस्वादन कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा कि इंद्रिय है कि लक्ष्य है कि कौन सी है, उसका विश्लेषण होगा, दृष्टि कौन सी होगी। यदि उसका आस्वादन स्वीकार हो रहा है इस सारे को करते हुए कि हाँ अच्छा तो लगा, तो वो चित्रण में चला जाएगा, और उसका आस्वादन स्वीकार नहीं हुआ तो चित्रण में नहीं जाएगा, बल्कि बहुत ही खराब रहा तो चित्रण में जाएगा कि ये दोबारा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। खराब का तब जाएगा जब बहुत खराब होगा, एक्सट्रीम पे जाएगा। सामान्य खराब होगा तो हम बहुत सारी चीजें छोड़ के भूल गए, हमको नहीं पता है क्या था, बहुत ध्यान में नहीं रहता है वो। लेकिन कोई चीज बहुत ही खराब खाई वो बिल्कुल याद रहेगा कि ये दोबारा दुख नहीं पाना है, इसको याद रखना है कि इससे ऐसा वाला प्रॉब्लम हुआ। तो इस तरह से लगातार चित्रण स्टोर होते जा रहे हैं। अब ये चित्रण में से मेरे को ये जो डिश खाया था मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये मेरे ध्यान में बना हुआ है, किसी मोमेंट पे वो डिश का वो चित्रण उभर के आ जाता है, वो चित्रण उभर के आ गया,
तो मैं फिर मेरी इच्छा हो जाती है यार ये खाना है ना। अब खाना है तो अब क्या होगा, खाना है तो क्या होगा, फिर वापस चलेगा वो चित्रण। खाना है तो वो चित्रण है तो उसकी फिर कौन सी दृष्टि होगी, प्रिय दृष्टि। प्रिय दृष्टि से विश्लेषण होते हुए उसका आस्वादन होते हुए चयन होगा, हाँ भाई बताओ कहाँ मिलेगी, फिर वो कहीं मिलेगी और फिर ये दोबारा होगा और फिर उससे मैच करूंगा, फिर कहता हूँ नहीं इस बार उससे भी अच्छा था क्योंकि पिछला स्वाद रखा ही है, फिर कंपेयर करता हूँ, फिर नया चित्र, और फिर अगले दिन पता चला कि वो खा के पेट खराब हो गया, उस समय जो चित्रण हुआ फिर वो भी याद रहता है, नहीं यार इसमें स्वाद तो था पर अगले दिन का स्वाद ठीक नहीं था। बढ़िया, ध्यान में आ गया। अब कुछ भी करते रहो, अब देखो 24 घंटे कुछ भी करते रहो आप लगातार देख सकते हैं कि अभी मेरी कौन सी दृष्टि काम कर रही है। आप लगातार ध्यान रख सकते हैं कि अब मैं कौन सा आस्वादन कर रहा हूं, कौन सा आस्वादन, कौन सी दृष्टि। आस्वादन पूर्वक चयन होता है, तुलन पूर्वक आस्वादन होता है, और क्या चित्रण मेरे अंदर चल रहा है पता चलेगा कि नहीं चलेगा। ये है अपने से बात करना, लगातार आपको अपने भीतर, अब बाहर देखने की आवश्यकता कम लगने लगती है, अपने में देखने में जो मजा आने लगता है ना, और उसको करेक्ट करने में जो मजा आने लगता है, उसमें स्टेबिलिटी जो आती है, उसमें हल्कापन जो दिखाई देता है, धीरे 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 यदि ये ध्यान बना रहता है तो आपके पास खुद ही गलतियां होने का काम, गलतियां इसको मैं आगे चर्चा करूंगा फिर आगे लाए। चलिए तो अब हम थोड़ा सा इसको और आगे ले चलते हैं। तो अब देखिए, अब ये नेगेटिव वाला चित्रण तो पूरा हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। अब जो नेगेटिव वाला चित्रण वहां किया था उसी को फिर से यहाँ ले आते हैं। मैं शरीर से किसी शरीर संवेदना को मैं चयन कर, जैसे मैंने कहा कि मैंने है ना होर्डिंग पे मोटरसाइकिल को का चित्र देखा, उस चित्र को देख के मेरे अंदर उस चयन का आस्वादन हो गया। अब ये कौन सा आस्वादन है, कौन सा आस्वादन है, सामान से सम्मान की तलाश, साथ में सुविधा से सुख भी है, दोनों है, सुविधा भी है और सुख भी है। तो लक्ष्य मूलक भी कहीं उसको जोड़ दिया है ना, रुचि मूलक भी जोड़ दिया, उसका विश्लेषण हुआ, तुलन हुआ, तो कौन सी दृष्टि है मोटरसाइकिल में, कौन सी दृष्टि है ना, प्रिय दृष्टि है ना, हित दृष्टि थोड़ी बहुत हो सकती है ना, लाभ, लाभ तो उसमें खैर के आ मिलेगा है ना। तो कहीं न्याय, न्याय की तो समझ नहीं है पर दूसरे को प्रभावित करने की अपेक्षा है। देखो दूसरे को प्रभावित करने की अपेक्षा भी न्याय के अर्थ में है, पॉजिटिवली उसको देखेंगे तो। कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। हमारा एक मित्र है, वो चार गाड़ियां रखते हैं, एक गाड़ी पत्नी के लिए, एक गाड़ी पति के लिए, दो गाड़ियां उस शहर में उनके मित्रों के जो दोस्त जो आते जाते हैं वो गाड़ी मांगने आते हैं, और दो गाड़ियां उनके लिए, दो ड्राइवर रहते हैं, एक गाड़ी पति पत्नी के साथ चलता है, एक ड्राइवर पति पत्नी के साथ चलता है, एक ड्राइवर उन दो गाड़ियों पे चलता है, कोई खुद भी चला लेते हैं, किसी को ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग पुराने मित्र हैं, तो दो लोग हैं, दो बच्चे हैं और घर में 10 नौकर हैं, एक जन खड़ा ही रहता है, बाबू और क्या करना है। अब बाबू दिन भर उनके लिए काम ढूंढता रहता है। तो एक दिन मैं पूछा, यार ये तुम इनके लिए हो कि ये तुम्हारे लिए। अब सबकी 15-20 हज़ार की सैलरी भी होती है ना, अब आदमी को पैसा दे रहे हैं खाली बैठा रहे, वो भी ठीक नहीं लगता है, तो उसके लिए काम भी ढूंढना पड़ता है। तो बोले यार तू ना समझेगा नहीं भाई, मैं कहे चार गाड़ियां क्यों पाल रखी हैं, बोले ये भी तू नहीं समझेगा। तो मैं नहीं समझा, मैं कोशिश करता हूँ। तो बोले ना स्टेटस की बात है, वो कैसे होता है, बोले शहर के कुछ लोग हैं जो इससे कम में हमको अपने बराबर नहीं मानते, मैं उनकी जरूरत हूं, जब भी उनको गाड़ी की जरूरत लगती है उनको मेरे को फोन करना होता है, फिर मैं तय करता हूं कि देना है कि नहीं देना है।
और जिसको देना है उसके साथ मेरा रिलेशन बनता है और आगे वो भी मेरे किसी काम आएगा। तो ये क्या हो गया? तो बेसिकली क्यों इतना झंझट कर रखा है, वो गार्डन है, वो गार्डन में माली 10,000 का काम करता है, वो गार्डन में जाके मैं कभी जाके कॉफी नहीं पीता हूँ। वो गार्डन भी इसलिए है कि भी लोग आए तो देखने से थोड़ा सा ठीक लगता है। तो ये इतनी मेहनत क्यों? तो सारी मेहनत इस अर्थ में है कि मैं मानव के साथ में समानता चाहता हूँ, मैं मानव के साथ में बराबरी चाहता हूँ। यदि आप बोलते हो कि इतनी कार लाने से बराबर होगा तो मैं कार ले आऊंगा, यदि आप बोलोगे ऐसा घर बनाओ तो मैं वैसा घर बनाऊंगा, आप बोलोगे IAS होके दिखाओ तो मैं IAS होके दिखाऊंगा, लेकिन मैं समानता तो चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं मानव में, मानव के साथ जो समानता के साथ जीने की, सम्मान की, तो एक बढ़िया सूत्र निकलता है, समानता ही सम्मान है। समानता ही, जब भी कोई व्यक्ति हमको अपने बराबर देखता है, हमको अच्छा लगता है, अपने से छोटा देख कर करके देखता है, ये हमको स्वीकार नहीं होता है। अब व्यक्ति की समानता में हमको व्यक्ति मानव समझ में नहीं आया तो वो समानता हमने, है ना, बराबर के लोगों में उठना बैठना चाहिए। बराबर के लोग क्या होते हैं? अब वो शिक्षा में बराबरी देख सकते हैं, पद में बराबरी देख सकते हैं, पैसे में बराबरी देख सकते हैं, है ना। जबकि मानव में कोई बराबरी होगी, यदि मानव में समझदारी की बात होगी तो हम सभी के साथ आवश्यकता अनुसार उठ बैठ सकते हैं, है ना। कि हमसे कम समझदार होगा हम उसकी समझदारी के लिए सहयोगी करेंगे, कोई हमसे ज़्यादा समझदार होगा उससे समझ लेंगे, तो ये बैरियर टूट गया, है ना, है ना। आजकल तो वो क्लास रहती है ना, सब BMW वाला जिनके पास वो गाड़ी है वो एक सोसाइटी है, तो कार के हिसाब से भी सोसाइटी होती है, और भी कुछ होगा जो मेरे को पता नहीं है, थोड़ा बहुत जो पता चलता है। तो इस आधार पे देखा जाए तो कहाँ बात चल रही थी, कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए? हाँ देखो, ये समझने की बात है कि जिसको हम अभी सम्मान कह रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया था, कई तरह की चीजें हैं जिनको हमको अलग अलग करने की जरूरत है। एक वो चीज है जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। आप मेरे से बड़े अधिकारी हैं इसलिए मैं आपके सामने बोल नहीं सकता, ये सम्मान है, शिष्टाचार है कि प्रोटोकॉल है? ये शिष्टाचार भी नहीं है, ये प्रोटोकॉल है। ये एक तरह की बात हो गई। दूसरी है कि आप मुझको, आप मेरे से रिश्ते में बड़े हैं या ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं इसलिए मैं आपको कुछ नहीं, आपकी गलत बात भी मैं सुन रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, ये शिष्टाचार में आता है। फिर एक तीसरे तरीके की बात है कि मैं किसी से प्रभावित हो गया हूँ और मैं भी अब किसी को प्रभावित करना चाहता हूँ, ये प्रभावित करना, प्रभावित होना है। तो दूसरा मेरे से प्रभावित हो जाता है तो मेरे को लगता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरे बड़े होने के एहसास को पाने के लिए मैं दूसरे से अपने आप को बड़ा सिद्ध करना चाहता हूँ, फिर चाहे वो पैसे में सिद्ध करूँ कि कोई और चीज़ में सिद्ध करूँ। ये प्रभावित करना, प्रभावित होना है। दूसरा मुझसे प्रभावित हो जाता है, दूसरा मुझसे छोटा साबित हो जाता है तो मैं अपने आप को बड़ा महसूस करता हूँ। ये एक दुनिया है, इसमें तीनों में कहीं भी सम्मान नहीं है। और अधिकांश हमारा सम्मान कहाँ तक जाता है? अभी हमारा सम्मान इसी तीन में से कहीं आता है। कितना सिंपल। आप दिल से किसका सम्मान करते हो? आप दिल से किसका सम्मान करते हो? जिसके जैसा बनना चाहता हूं। और किसके जैसा बनना चाहता हूं? जिसका आचरण अच्छा होगा। गाड़ी के आधार पे आप किसी का सम्मान नहीं करते, पद के आधार पे आप किसी का सम्मान नहीं करते नॉर्मली, है ना। मैं प्रभावित हो सकता हूँ, सम्मान करना अलग बात है, प्रभावित होना अलग बात है। तो सम्मान तो मैं किसी आचरण का ही करता हूँ। तो देखो कितनी सिंपल बात है, यदि मैं किसी का सम्मान किसी दूसरे आधार पे नहीं करता हूँ तो कोई मेरा सम्मान भी किस आधार पे करेगा? किसी आचरण के आधार पर। इतनी सिंपल सी बात है। यदि मैं किसी का सम्मान गाड़ी के आधार पे, पद के आधार पे या किसी और आधार पे नहीं करता हूँ दिल से, तो हमको ऐसा लगता है कभी कभी जीवन देख साली को देख के ऐसा लगता है कि ये तो हमको भरोसा हो गया कि कहीं दिल से सम्मान तो किसी का हमको मिलेगा नहीं, हमारे कर्म ऐसे है नहीं, तो क्या करें? तो पल भर के लिए
झूठा ही सही, अपन यहाँ आ गए। अपना काम अच्छा लगने से ही चल रहा है। अच्छा होने का तो अपना कोई कॉन्फिडेंस आया नहीं कि हमारे अंदर ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसको मैं हमेशा सम्मान कर पाऊं, जिसको दूसरा भी सम्मान कर पाए, ऐसा कुछ तो हमको बहुत ठोस रूप में पता नहीं। और बाकी कुछ ही लोग होते हैं जो गांधी जी टाइप होते हैं, जिनको देश इज्जत करता है। गांधी जी टाइप भी जो लोग थे उनकी फॉलोइंग इतनी जबरदस्त थी, तो जिनके पीछे हजारों लोग चलने लगते हैं उनके पीछे ऐसे भी हमारा सर झुक जाता है, इतने प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन सही अर्थों में है ना, जो सबके लिए संभव हो वो तो कोई आचरण ही होगा। वो श्रेष्ठ आचरण वो सबको पहले स्वीकार होगा कि मुझको पहले स्वीकार होगा? मैं स्वयं का सम्मान कर पाऊं तो बाकी के साथ जीने की जगह बन जाएगी। तो चलिए, तो जितनी हमने बात की उससे हमारे ध्यान में ये आ गया कि अभी हमारी न्याय की दृष्टि, हम जीना तो आदमी के साथ ही होगा ना, दीवार के साथ जीना नहीं होगा। अच्छा घर भी बना लिया तो उसका सुख क्या है? उस घर में रहने वाले आप अकेले ही हो तो कब तक सुख आएगा? उसमें भी नहीं आएगा। आपने बहुत अच्छी गाड़ी खरीद ली, बहुत अच्छा खाना बन गया और घर में लड़ाई होगी उसी बीच में, तो ना खाने का स्वाद आएगा ना गाड़ी का स्वाद आएगा। तो इसका मतलब है भौतिक चीजों को एंजॉय करने के लिए भी एक मिनिमम लेवल की प्रसन्नता आपके पास हो, ये जरूरी है। आगे की कहानी तो अभी और आगे। तो इससे ही पता चला कि कैसे, तो हम किस एग्जाम्पल पे थे, ठीक हो गया? तो वो सब हमने देख लिया कि कैसे गाड़ी फंसती है। तो हमने बाइक लिया, बाइक का मामला कहाँ चला गया? तो कुल मिला के मैं शरीर से प्रभावित हुआ। अब मन जो है शरीर से प्रभावित है, यहाँ इसको लगा देता हूँ, शरीर लिख देता हूँ। अब मन ने शरीर को प्रभावित किया, शरीर ने मन को प्रभावित, शरीर मन शरीर ने प्रभावित किया कि मैं प्रभावित हो गया? हाँ, शरीर प्रभावित नहीं करता है। तुमने मेरे को गुस्सा दिला दिया, दूसरा गुस्सा दिला देता है कि अपने को आ जाता है, तो दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। दूसरे ने जो किया वो उसकी मौलिकता थी या उसकी प्रॉब्लम थी, है ना, उसी के गुस्सा दिलाने से सबको एक समान गुस्सा नहीं आएगा। तो गाड़ी की वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, कि बजाय सच्चाई ये है कि मेरी स्थिति ऐसी थी इसलिए ऐसा हो गया। तो इसका मतलब है मैं शरीर से प्रभावित हो गया, मन शरीर से प्रभावित हो गया, वो वृत्ति को अपने अनुसार चलाना चाहता है, वृत्ति चित्त को चलाना चाहता है, चित्त बुद्धि से समर्थन मांगता है, और ये गई भैंस पानी में। बढ़िया। और कितने समय यही होता रहता है? देखो अब थोड़ी सी इसमें और बात देख लेते हैं। देखो फिर से मोटरसाइकिल पे आते, मोटरसाइकिल का चयन किया, मोटरसाइकिल का आस्वादन हुआ, कौन सा आस्वादन हुआ? रुचि मूलक कुछ हद तक वो अपेक्षा है। मैं बात जो शुरू हुई थी यहाँ से हुई थी कि अंततः हम तो लिए तो इसलिए थे कि यार थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस क्या करेगा? मानव के रूप में मेरे जीने की और दूसरे जीने के बीच में सहायक होगा। तो कहीं न्याय की भी अपेक्षा है, मेरे को न्यायपूर्वक जीने की योग्यता आ जाए, उस अपेक्षा में भी है, भ्रम ही है, लेकिन उस अपेक्षा के साथ विश्लेषण शुरू हुआ। विश्लेषण शुरू हुआ तो तुलन क्या करेगा, कौन सी दृष्टि काम करेगी? प्रिय दृष्टि, कोई न्याय की अपेक्षा में कोई दृष्टि, है ना, ये न्याय की अपेक्षा में कोई दृष्टि, ये इसका तुलन हो गया। इसके ऊपर जो यहाँ बैठा रहता है वो ऊपर बैठ के देखता रहता है, ऊपर वाला वो बैठ के देखता रहता है न्याय धर्म सत्य हुआ कि नहीं, क्योंकि यहाँ मेरी योग्यता कैसी है, PHL प्रियहित लाभ, अपेक्षा क्या है, अपेक्षा क्या है, अरे न्याय धर्म सत्य, अपेक्षा, यहाँ न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा है। तो हर बार प्रिय हित लाभ पूरा होता है, न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा बनी रहती है। ऊपर से देख के ये बोलता है कि न्याय धर्म सत्य तो हुआ नहीं, ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला बोलता है मैं सहमत नहीं हूं, तो ये हवा निकलती रहती है अंदर में, है ना। इसी को हम कह रहे हैं कि इच्छा के लेवल पे असंतोष, विचार के लेवल पे, विचारों में अशांति। ये असंतोष किस बात का है? असंतोष इस बात का है कि मैंने कोई इच्छा की है उसमें से बुद्धि सहमत नहीं है, तो मेरे को अपनी इच्छा के प्रति शंका हो जाती है कि मैं ठीक सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ, ये इच्छा सही है कि नहीं है,
है ना। तो ये इच्छा के लेवल पे जो गड़बड़ी हुई इसका नाम असंतोष, विचार के लेवल पे जो गड़बड़ी है इसका नाम अशांति, मन के लेवल पे जो है और शरीर के लेवल पे जो है रोग, और फल के लेवल पे जो है क्षणिक तृप्ति, फाइनली कहाँ पहुंचे अतृप्ति, और फाइनली सब मिला के यही नर्क है। तो मेरी मानसिकता में जो लगातार भूतकाल, यही भूतकाल की पीड़ा है, यही वर्तमान से विरोध है, यही भविष्य की चिंता है, यही सब नेगेटिविटी बड़ी है ना। बाकी थोड़ा बहुत जो ठीक चलता है संवेदनशीलता बस कुछ अच्छा अच्छा सोच लिए जी लिए वो चलता है। तो यहाँ तक पूरा हो गया। अब इसको सारे को सेट कैसे किया जाए, अब समाधान की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें तो कैसा होता है देखिए। अब हम दूसरा फेज पकड़ते हैं। तो किसी ने आपको शिविर में धक्का मार दिया, किसी ने धक्का मार दिया, लग गया धक्का। जिसने धक्का मारा मैं उस पर विश्वास करता था कि वो किसी सही जगह ही ले जाएगा, अभी मेरे को नहीं पता यहाँ क्या होने वाला, तो मैंने आने का चयन किया, साथ में सुनना है ये भी चयन किया, क्योंकि आप संबंधों के माध्यम से आए। जब लोग सरकारी ऑर्डर के माध्यम से आते हैं तो वो चयन करके आते हैं कि सुनना ही नहीं है। हाँ, तो 3 दिन हमको पत्थर फोड़ना पड़ता है, 3रे दिन उसको लगता है यार बात तो ठीक हो रही है, तो फिर थोड़ा सा उसका बल्ब जलता है और फिर कनेक्ट बनता है, फिर आखिरी दिन रोना गाना करता है। आप आते हो, चाहे आप से आप लाए गए हो, लेकिन आप सुनने की मानसिकता से ही आए हो कि नहीं सुनना है और कोई देखेंगे अपने काम का कुछ मिलेगा। तो अब आप सुनना शुरू करते हो, कौन सा आस्वादन होगा, कौन सा आस्वादन होगा, कौन सा आस्वादन होगा, क्या बोल रहे, सुख की निरंतरता हो सकती है, संबंध में तृप्ति पूर्वक जिया जा सकता है, तो लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक दोनों आस्वादन हुए। इसका विश्लेषण हुआ, विश्लेषण हुआ, हम लॉजिकल कंसिस्टेंसी देखते हैं कि बात जो हो रही है लॉजिकल हो रही है, कि जीना चाहिए बोला जा रहा है तो दिखता है कि लॉजिकली भी कंसिस्टेंट है। फिर ये फिर कौन सी दृष्टि से तुलन होगा इसका, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि, उसकी अपेक्षा बनी हुई थी, जो अपेक्षा मेरे भीतर पहले से बनी ही हुई थी, ये कंटेंट उस अपेक्षा का पोषण करने लगता है। तो स्वीकार होगा कि नहीं होगा, होगा, स्वीकार होके इसका चित्रण हो गया। तो प्रिय हित लाभ का चित्रण मेरे पास पहले से था ही, वो तो मेमोरी में रखा ही है पुराना सॉफ्टवेयर, साथ में न्याय धर्म सत्य का चित्रण भी होने लगा। अब दोनों सॉफ्टवेयर आ गए, चित्रण आ गया। तो पहला स्टेप है, 4 स्टेप हैं, पहला स्टेप बोल रहे हैं श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और अनुभव। तो पहला स्टेप क्या है, श्रवण। श्रवण मतलब सुनना, सुनने का प्रमाण क्या है, सुना देना। सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। इसलिए बोलता हूं कि जितना आपस में अपनी गति बनाने का, भी तो पहला काम है कंटेंट लोड हुआ है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया तो कम से कम आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, न्याय धर्म सत्य का तर्क पूर्वक चित्रित हो जाना श्रवण है। ऐसे थोड़ी है। ये तो अपन हिंदी भाषी क्षेत्र में बैठे, नागपुर तक तो हिंदी ठीक ठाक है लोगों की। न्याय धर्म सत्य का तर्क पूर्वक लॉजिकली चित्रित हो जाना, उसका चित्रण हो जाता है, चित्रण में आ जाता है, मेमोरी में आ जाता है, स्मरण में आ जाता है। न्याय धर्म सत्य का तर्क पूर्वक चित्रित हो जाना श्रवण है।
सुनने में आ गया है। यदि तर्कपूर्वक चित्रित हो गया है तो उस पर बात करने की योग्यता आ जाती है। बात तो कर सकते हैं, मेरे आचरण में चाहे अभी नहीं आया है लेकिन मैं लॉजिकली बात तो कर सकता हूँ। तो पहला काम है श्रवण। श्रवण के लिए बोल रहे हैं कि लगभग 10-12 बुक्स में जो भी मटेरियल है एक बार सारे से हम, इसलिए पढ़ना भी सुनना है और सुनना भी सुनना है। पढ़ के मैं क्या कर रहा होता हूँ, खुद ही खुद को सुना रहा हूँ। वो सुनना रजिस्टर हो जाए इसका नाम श्रवण है। तो मैं सुन पाया, ये एक कदम है। अब मेरी मेमोरी में सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, इसका फायदा क्या होगा? देखो अभी स्थिति ऐसी है कि चार लोग मेरे को अप्रिशिएट करते हैं तो मेरे को लग रहा है मैं ठीक चल रहा हूँ, और अपने घर के लोगों ने कह दिया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, दुनिया ऐसी थोड़ी चलती है, तो मेरे को अपने पे शंका हो जाती है कि मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। तो अभी हमारे पास सही गलत का कोई सार्वभौम आधार नहीं है, यूनिवर्सल ग्राउंड नहीं है। हमारी प्रॉब्लम इतनी ही है कि हर जगह हम जूझ रहे हैं कि मैं ठीक हूँ कि तुम ठीक हो, ये कौन ठीक है और ठीक होने का आधार क्या होगा। ये कन्फ्लिक्ट मेरा मुझसे बाहर भी है और ये कन्फ्लिक्ट मेरा मेरे अंदर भी है। इसका बड़ा फायदा यह हो गया कि अब सही गलत का यूनिवर्सल आधार मिल गया। सही क्या है, सही क्या है और गलत क्या है पूरे संसार के लिए, बोलो बोलो। पांच शिविर कम से कम, सीरियसली बोल रहा हूँ। देखो जिंदगी इतनी हल्की चीज नहीं है ना, दो रोटी कमाने के लिए 22 साल पढ़ रहे, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जॉब नहीं मिले तो क्या करेंगे। तो दो रोटी के लिए हमने 22 साल मेहनत की है, 22 महीने तो करो, जिसकी जितनी आयु उतने महीने, ऐसा प्रिंसिपल सीधा, क्योंकि जितनी आयु बढ़ती है उतनी कंडीशनिंग बढ़ती है और कंडीशनिंग को ब्रेक करने में उतनी मेहनत ज्यादा लगती है। हाँ, कंडीशनिंग गहरी होती जाती, बदलना मुश्किल होता है। तो क्या निकला, सही गलत का सार्वभौम आधार क्या है? न्यायपूर्वक जी पाना। तो घूम फिर के बात उतनी ही है, न्यायपूर्वक जिएंगे तो क्या होगा, परिवार शिकायत मुताबिक मानव में समाधान, बस मानव लक्ष्य रहो, एकदम अपने में स्थिर करना है। हर बात एक ही चीज है कि मानव लक्ष्य के अर्थ में जो कुछ भी है वो सब सही है। मानव लक्ष्य मतलब मानवीयता के लिए जो सही है, जो मानवीयता के विरोध में है वो सब गलत है। तो मानवीयता क्या है, मानव में समाधान हो जाए, परिवार में समृद्धि हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए, इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, इतनी कहानी बार बार की। जो इस अर्थ में है वो सब सही है और जो इससे विपरीत है वो सब गलत है। तो पूरे संसार का सही गलत एक हो गया कि नहीं हुआ? अब तक क्या बोलते थे, सही गलत तो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव, कुछ सही नहीं होता है, कुछ गलत नहीं होता है। इतना ज्ञान आ गया तुम खुश क्यों नहीं होते हो? बहुत थकाऊ है बहुत, ये तो बड़ा नागराज जी का धन्यवाद, कुछ खींच के ला दिया, नहीं तो भाई साहब क्या होता पता नहीं। ओ मेरे साथ तो बहुत कुछ होता था, मेरे को राष्ट्रपति भवन में बैठ के कलाम साहब ने पूछा कि तुमको ये जीवन विद्या नहीं मिली होती तो तुम क्या करते, ऐसा क्वेश्चन और कोई नहीं पूछा आज तक। पता नहीं कौन सी अंदर की छुपी हुई थी बड़ा, मैं कहा मैं को जीवन विद्या नहीं मिली होती तो मैं नक्सली होता। राष्ट्रपति भवन में बैठ के कलाम साहब से बात हो रही है और कलाम साहब को बोल रहा हूँ कि मैं नक्सली होता, वो भी खुश हो गए। क्या करें, इतनी भड़ास थी, इतनी आग थी, लगता है 2-4 10 को तो निपटाओ। कहाँ पहुंचे,
कहाँ पहुंचे? न्याय धर्म सत्य। तो क्या समझ में आया? न्याय धर्म सत्य तर्क पूर्वक चित्रित हो जाए इसका नाम श्रवण है। कम से कम इतना होने के बाद में ये सूत्र काम करना शुरू कर देता है। अध्ययन की परिभाषा है कि अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। अब अनुभव की रोशनी आ गई, अनुभव की रोशनी आ गई तो क्या हो गया? पहले बोलते थे सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब अंधेरे कुएं में कितना भी देखो, आंख खोल के देखो, बंद करके देखो, क्या दिखाई देगा? अंधेरा ही दिखाई देगा। जब तक वो रोशनी नहीं है तब तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए कहा कि गलतियों से सीखा नहीं जा सकता है। जब तक हमारे पास न्याय धर्म सत्य का स्वरूप नहीं है, अस्तित्व में सच्चाई का ब्लूप्रिंट नहीं है, ये पूरी सृष्टि कहाँ से आ गई, खाली स्थान कहाँ से आ गया, इकाइयाँ कहाँ से आ गई, ये पूरी सृष्टि कहाँ से प्रकट हो गई, कौन बनाता है, कौन चलाता है, ये ऐसा चलता है तो कैसे चलता है, ये शरीर कहाँ से प्रकट हो गया, मैं कहाँ से प्रकट हो गया, करना क्या है, ये क्यों प्रकट कर दिया गया, ये फंडामेंटल है। जब तक ये फंडामेंटल का एड्रेस नहीं मिलेगा, हम कितना भी गोल गोल घुमाएं, जिंदगी नहीं चलती। ये आंसर मिलने के बाद मेरे को क्लियर हो गया, है ना? तो इसका मतलब है अब मैं कंटिन्यू, अब साधना 24/7 है। साधना मतलब क्या? साधना, साध लेना। क्या साध लेना? साधना में एक तरह की दो बात कर सकते हैं, एक इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का जागरण होता है। मानव में इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का जागरण होता है। क्रिया शक्ति का जागरण क्या है? क्रिया शक्ति का जागरण का मतलब है इंद्रियों के माध्यम से ऊर्जा का अपव्यय ना होना, क्रिया शक्ति का जागरण है। बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत अच्छा लगता है। जितनी लीकेज है ना, इतनी लीकेज हो रही है चारों तरफ से, यार इधर वाली देखता हूँ, इधर से एक लीकेज हो जाती है, शाम तक मैं ड्रेन हो जाता हूँ, इतनी लीकेज हो रही है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इतनी तरफ से लीकेज होती रहती है। और फिर भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, ये सब मैस हुआ रहता है। तो पहली बार क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है, ये मानव लक्ष्य है, ये विचार का मतलब है, ये लक्ष्य का मतलब है, ये न्याय का मतलब है, ये धर्म का मतलब है, ये सत्य का मतलब। और मेरे को सुखी होना है और समाधान ऐसा, मानव है, जीवन है, शरीर है, इसके दोनों की आवश्यकता अलग है, पूरा करने का तरीका अलग है, सबकी पूरी हो सकती। कल ये बहुत सारी चर्चा कर रहे थे, क्या नाम? हाँ, है राहुल। जितने कन्फ्यूजन इकट्ठे किए जा सकते हैं, इन्होंने मेहनत करके इकट्ठे किए हैं। इस एज में कितना कन्फ्यूजन हो सकता है, मतलब कोई रह ना जाए, सर्वे में कोई कमी ना रहे। तो मैंने इनको कभी 20 मिनट सुना, 20 मिनट सुन के मैंने कहा अब कल शिविर में ही मिलते हैं, अभी पहले तुम एक बार खाली हो जाओ, फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे, मेरा नंबर रख लेना, जितनी बात होगी अभी होगी, आराम से करेंगे। अच्छा है तुमने कोशिश की। कंफ्यूज होना भी एक सुख स्थिति है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होगे तो आपको पीड़ा का पता ही नहीं चलता कि कितनी तरह से काम चल रहा है। जो बहुत चारों तरफ से कंफ्यूज होके आया है और बहुत पीड़ा पाके आया है, जब उसको सॉल्यूशन मिलता है तो वो डॉक्टर बन जाता है। क्योंकि आप एक शब्द बोलते हो, मेरे को पीछे की पूरी कहानी दिखती है, आप क्या क्या झेल के आए हो और किस किस मनस्थिति से गुजर के आए हो। तो ये अच्छा है, कुछ खराब नहीं हुआ। तो कहाँ थे? श्रवण जैसे जैसे होने लगता, अब श्रवण कंप्लीट हो जाएगा तो मनन शुरू होगा, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। हमारी अपनी जर्नी है, जैसे बिना श्रवण के भी मनन हो सकता है,
मनन का एक मोटा मतलब ये है कि प्रिय हित लाभ में जीना जीना नहीं है, ये स्वीकार हो गया। ये मनन का एक मोटा मतलब है। यदि बिना मध्यस्थ दर्शन के मनन होता है तो उसमें मनन के लिए वस्तु नहीं है, न्याय धर्म सत्य की क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मेरे को मध्यस्थ दर्शन से न्याय धर्म सत्य का क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि जीवन जीवन की सारी जितनी क्लैरिटी खुल के मिलेगी इसका और कोई जरिया नहीं है अभी। लेकिन मेरी अपनी ही जिंदगी के निष्कर्षों से मेरे को ये निष्कर्ष पे आ गया हूँ कि ये प्रिय हित लाभ के साथ जीना जीना नहीं होता है, खत्म दरवाजा। मेरे को इसमें कोई शंका नहीं है कि इधर जिंदगी नहीं है, ऐसा मेरे को 23 साल में समझ में आ गया। लेकिन जिंदगी कहाँ है ये मेरे को पता नहीं है। तो फिर वो गांधी जी को पढ़ो, ओशो को पढ़ो, और इसको पढ़ो और उसको पढ़ो, और मंदिर जाओ और गुरुद्वारे जाओ और ब्रह्म कुमारी जाओ और गायत्री जाओ सावित्री जाओ, फिर सब चालू हो ही जाता है, सब कर डाला। तो इस करने के प्रोसेस में ये क्लैरिटी होना कि इधर जिंदगी नहीं है, फिर आप उधर चल नहीं सकते। लोग गाली दें, असफल बोलें, घर वाले बोलें, बाहर वाले बोलें, लेकिन उधर चला नहीं जा, क्योंकि मुझको तो दिख रहा है गड्ढा है, उधर जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो इसका मतलब है एक वर्ग ऐसा समाज में है ही जो बिना किसी दर्शन के भी इस निष्कर्ष तक पहुंच जाता है कि इंद्रियों में जीना जीना नहीं है, रूप बल धन पद में सम्मान नहीं। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? है? हाँ, फिर वो किसी एनजीओ में चला जाएगा, भारत में एनजीओ है, फिर वो किसी साधना परंपरा में चला जाएगा, फिर वो किसी सेवा में चला जाएगा, मुख्य धारा से कटना शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख्य धारा में उसको जिंदगी नहीं दिख रही। म्यूजिक में फिर कहीं भी लेटर, सोलो ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। ऐसा बोलता तुम लोग खराब तो नहीं लगता ना? लगे भी तो क्या है, सच्चाई तो यही। तो फिर क्या हुआ, यदि इस पॉइंट पे पहुंच गए और आपको दर्शन मिल गया, उसका फायदा क्या होता है? आप बहुत कम समय में उसको डाइजेस्ट कर लेते हो, बहुत कम समय में आप बहुत सारी चीजों को पचा लेते हो, क्योंकि पात्रता पहले से बनी हुई। जिनकी पहले से जर्नी पूरी नहीं है, अब उसको दर्शन मिलेगा, तो जो यात्रा में वो 20 साल लगाता, हो सकता है उस यात्रा में 4 साल में हो जाए, 5 साल में, समय बहुत टाइम कम हो जाता है, क्योंकि उसको हम अब हम बहुत गाइडेड ट्रैवलिंग कर रहे हैं। हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट के साथ हमारे पास कोई मैनुअल है, मैनुअल के साथ हम प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, विदाउट मैनुअल हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, वो भी एक दुनिया है। तो धीरे से दूसरा काम शुरू हो जाता है। मनन का मतलब है प्रिय हित लाभ के स्थान पर न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना वरीयता में आ जाए, प्रायोरिटी में आ जाए, इसका नाम मनन है। मनन का मतलब न्याय धर्म सत्य को मान लिया है, इसका नाम मनन। न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना ही जीना है, ऐसा अपने में स्वीकार हो गया। प्रिय हित लाभ की तुलना में न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना वरीयता में आ गया, प्रायोरिटी में आ गया, इसका नाम मनन है। मनन हुआ है, इसकी पहचान क्या होगी? मनन होने लगा है, हो रहा है, इसकी पहचान क्या होगी? पहचान क्या होगी? अब आपको प्रिय हित लाभ में वो मजा नहीं आएगा जो पहले आता था। पुरानी दुकान सिमटना शुरू हो जाती है, वो जो क्षणिक सुख में वो जो निरंतरता ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं है नमक का स्वाद नहीं आएगा, नमक खाएंगे तो स्वाद आएगा ही, है ना? सोने का पता चलेगा ही, है ना? बाकी सब काम चलेगा, लेकिन वो जो पागलपन था
है ना, इंद्रियों में निरंतर सुख की तलाश का और रूप बल धन पद में सम्मान और पहचान की तलाश का वो पागलपन टूट जाता है, उससे काफी आराम मिलता है। उसका बहुत बड़ा आराम क्या है, बहुत सारी अनावश्यक विचारों की दौड़ और अनावश्यक बहुत सारी फिजिकल दौड़ और बहुत सारी जगह जो हम एनर्जी लगा रहे थे फिजिकली, वो एनर्जी लगाने का काम धीरे से वाइंड अप होना शुरू हो जाता है। मैं पहचानने लगता हूं कि ये अनवांटेड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। हम ही लोग समाज में बहुत सारी मीटिंग करना, बहुत सारे समाज के सेवा के कार्यों में लगे रहना, इधर पत्नी का परेशान होते रहना, है ना, उसका चिंता में पड़े रहना, ये सब होते रहता था। मैंने तो अपनी गृहस्थी मात्र 30 रुपए में बसाई, मात्र 30 रुपए है कैसे। मेरा पहले से ही ऐसा मन था कि मैं शादी नहीं करूं। एक आदमी मेरी जिंदगी में आया, वो समझा गया कि शादी करना ठीक है, तो मेरी ऊपर वाले के साथ पहले से ही अच्छे संबंध है। तो मैंने ऊपर वाले को बोल दिया कि देख ऐसी बीवी देना जो मेरे साथ चल पाए, नहीं तो मत देना। और मेरी माँ मेरे को बहुत पसंद थी, तो मैंने ऊपर वाले को बोल दिया कि देख मेरी माँ जैसी बीवी देना, तो उसने डिट्टो माँ जैसी बीवी दिया, सेम कॉपी फोटोकॉपी। माँ ही संभाल सकती थी इतनी उठापटक को, तो उसने संभाल लिया। अब आ गई तो अपना तो काम चालू, अपने को समाज के नीचे बात नहीं करना है, उसको परिवार के ऊपर बात नहीं करना है। तो दोनों का वाईफाई कनेक्शन एकदम ऐसे चला गया, कहीं कनेक्शन की जगह ही नहीं। फिर से पुराने दिन याद आ गए, अरे यार ये शादी करके सबसे बड़ी गलती हुई, बस यही गलती। मेरी माँ भी बोलती थी तेरे को ये सब करना था तो शादी नहीं करना था। मैंने कहा अब तो जो होना था हो गया। तो मैं समझता था, फिर अपने दुखों पे मलहम लगा लेते थे, सभी महापुरुषों के साथ ऐसे हुआ। परंपरा में क्या एक से एक स्टोरी है, किसी की वाइफ ने गन्ने से पीटा और किसी ने कैसे पीटा, मैं यार उससे तो ठीक ही है, अभी भी उतनी खराब तो स्थिति नहीं है, तो कम से कम नाराजी होती है, दूसरों को भी पता नहीं चलने देती। तो हमारी शादी के 2 महीने बाद मैंने जॉब छोड़ा और मेरी वाइफ ने 2.5 साल तक किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैंने नौकरी छोड़ी। मैंने कहा चलो यार काफ़ी अच्छी स्थितियाँ हैं, फिर भी ये सब रहेगा ही और अपने को तो समाज का काम करना ही है, जो चलेगा 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 चलाएंगे। तो मैंने पहला शिविर किया 96 दिसंबर के आसपास। तो 3-4 दिन बाद शिविर होने के बाद मेरे को याद आया कि यार मैंने पत्नी के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, और मैं तो लगातार जब से वो आई है मैं तो लगातार समाज और समाज की तलाश में इतना सब में घूम रहा हूँ, उसको मैंने अब काफ़ी नेगलेक्ट किया है। तो घर में कुछ रोना गाना तो हो ही जाता था कभी कभी। तो मैंने 3rd दिन 4th दिन उसको फ़ोन किया, मैं तुम कैसी हो, वो कहती तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्योंकि ऐसा मैंने कभी पूछा नहीं था। उस समय फोन वोन नहीं होते थे, मोबाइल। तो एक दिन के लिए गए बस्तर में, 5 दिन फंस गए तो फंस गए। और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से एक बच्चे का बाप होते हुए बस्तर के जंगलों में काम करते हुए ये भी भूल जाता था कि मेरी शादी हुई, मेरे को नहीं याद रहता था। ऐसे क्षण मेरे को याद है मैं एक बच्चे का बाप, फिर याद आता था अच्छा अच्छा, फिर अब उसमें भी अपनी महानता गिन लेते थे, हम कितने महान हैं कि कितना डूब के अपना काम करते। बाद में समझ में आया कि हम कितने गैर जिम्मेदार। तो ऐसी कहानी सारी पलटती गई। तो मैं बोला यार शिविर चल रहा है और बड़ा गिल्ट फीलिंग हो रहा है। बोले कोई नहीं तुम आ जाओ बात करेंगे। 10 रुपए लगा, एसटीडी पीसीओ से फोन करते थे। और 5वें 6ठे दिन परिवार खुल गया, तो वहाँ तो सारा ही पिटारा खुल गया, बड़ा और अपराध बोध हुआ।
फिर दोबारा एक फ़ोन किया, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो उस दिन ज़्यादा कोई वैसी बात नहीं किया। लास्ट के दिन बड़ी खुशी खुशी घर से सिविल छोड़ के निकले, क्योंकि बहुत सारी उठा पटक से गुजर रही थी। तो ऐसा लगा, नहीं यार बहुत काम करना है और बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं और सब कुछ को ठीक करना है, और बड़ी आशा कि अब ठीक हो भी जाएगा। और जिस समाज में काम करने की हमारी पीड़ा थी, उस पीड़ा पे भी मरहम लग गया। उसके पहले ना वुमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, वेस्टलैंड डेवलपमेंट, सिटी डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इतने डेवलपमेंट थे, और फिर पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, ये लाइफ वो लाइफ, इतनी लाइफ को जोड़ें, इधर डेवलपमेंट को जोड़ें, ये निकालें तो ये बुझक जाए, वो निकालें तो वो बुझक जाए। इतना सबको जोड़ते जोड़ते नहीं समझ में आता था ये घर चलेगा कि समाज चलेगा। समाज को पकड़ो तो घर छूटता है, घर को पकड़ो तो समाज छूटता है, पैसा पकड़ो तो इधर छूटता है, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा था। और भाई साहब इतने पापड़ बेले, जम के 7 साल हर दिन, मैंने बचपन से कभी गरीबी नहीं देखी। और जब मैं जॉब में आया तो मैं 3 साल के अंदर मैंने ये पहचान लिया कि इधर जिंदगी नहीं है। अब मैं ढूंढ रहा था कि जिंदगी कहाँ है। तो मैं सब लोगों के इंटरव्यू, जिसका समझ में आ जाए थोड़ा ठीक ठाक है तो उसका इंटरव्यू लेता था, आपको जिंदगी में क्या मिला, आप कैसा महसूस करते हो। तो मेरे को दो ही लोगों की आंख में चमक दिखाई दी, एक जो बोलता था मैं सेल्फ मेड है, और साथ में ये भी बोलता था मैंने स्ट्रगल बहुत किया है। मैंने कहा यार हमारी तो जिंदगी बेकार हो गई, ना तो हमने स्ट्रगल किया, ना हमने गरीबी देखी, ना हम सेल्फ मेड। मैं बॉस अपनी तो जिंदगी की, मैं 70 का होऊंगा तो अपने आप को क्या जवाब दूंगा, तुम जिंदगी में क्या किए। पहले मेरे माँ बाप कमाते थे मैं खाता था, आजकल मैं कमाता हूँ मैं खाता हूँ, तो टंकी भरने के सिवा कुछ किया नहीं। तो मैं बॉस जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या किया जाए। तो मैंने आपको बताया ही, मेरे ऊपर वाले से थोड़ा अच्छे संबंध है पहले से ही, तो मैंने ऊपर वाले को फिर बोला, उस समय पता नहीं था, उस समय पता नहीं था, उसमें तो ब्लैंक में छोड़ देते थे और काम हो जाता था, इसलिए पता था कि संबंध तो ठीक ठाक है क्योंकि काम तो होता है। तो मैंने ब्लैंक में फिर छोड़ दिया, मैंने कहा कि गरीबी देखनी है, स्ट्रगल देखना है, मेरे को गरीबी देखनी है। वो इतने अच्छे संबंध थे मेरे को पता ही नहीं था। इतनी गरीबी देखी कि बच्चे के दूध का पैसा नहीं रहता था, और मैं इसी शहर में 400 रुपये पर मंथ का रूम लेके 86 में रहता था। इसी शहर में मोटरसाइकिल मेंटेन करने से लेके, और सारे शौक, कोई उठपटांग कोई शौक थे नहीं ज़्यादा, लेकिन एक रहीसी जैसी, क्या घर से बाहर बच्चा रहता ना, पापा अलग पैसा देते हैं, माँ अलग देती है, ताऊ जी अलग देते हैं, और पैसा काफ़ी हो जाता है अपने पास, और खर्चा ज़्यादा था नहीं, तो बहुत रईसी से जिए। बचपन से लेके कॉलेज टाइम तक मैंने कभी गरीबी नहीं देखी, किसी वस्तु की कमी नहीं देखी। तो मैंने कहा ऊपर वाले से कि देखो गरीबी देखना है और स्ट्रगल देखना है। तो उसने इतनी दी कि मैं 5 रुपया बचाने के लिए 15 किलोमीटर पैदल चलता था। परिवार का सम्मान और अपना सम्मान बचाने के लिए मैं रात को माइंस में ट्रक में मटेरियल सप्लाई करने का काम किया, एक ट्रक पे 50 रुपया मिलता था। दिन में मैं कोई काम कर नहीं सकता था कि मेरे परिवार की इज्जत का सवाल था। नौकरी पे मेरे को जाना नहीं था क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल था। अब बची रात, और रात में भी जो काम हाथ लग गया वो काम कर शुरू कर दिया। 4 महीने में ट्रक ड्राइवर्स के साथ में रहा, रात को उनके साथ में रहना, उनके किस्से कहानियां सुनना, तो मैं उसको बड़ा एंजॉय करता था। यार देखो जिंदगी ऐसी भी होती है, सोलो ट्रैवलिंग। इस पूरी जर्नी में मैं कभी परिस्थितियों से परेशान नहीं हुआ, लेकिन मेरे एक दो बड़े हितैषी मित्र थे, एकदम क्रिटिक, मतलब तलवार ऐसे कितनी बार घुसाएंगे, उनको यही समझ में नहीं आता था कि खाली हो चुका है, तो मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और बिल्कुल तथ्य के साथ बात करते। तो एक ही दोस्त ऐसा था जिसने मेरे को 2-3 बार इतना इस लेवल तक परेशान कर दिया, जब मेरे को लगता था यार अब
या मैं परेशान उस बीच में हो गया कि मेरे को लगता था कि अब जिंदगी में आगे रास्ता नहीं, पीछे के दरवाजे में बंद ही करके आया था। तो ऐसा जिंदगी में 3 बार घटा कि पीछे के सारे दरवाजे बंद हैं और आगे कोई दरवाजा खुल नहीं रहा। तो मैं सारी किस्सा कहानी सुनाने का आशय इतना ही है कि इन सब घटनाओं से आपको समस्या के रूट समझ में आते। सेमिनार्स में ये चर्चा करना कि भारत की समस्याएं क्या है, ये अलग दुनिया है। जमीन पे उतर के काम करना बिल्कुल अलग दुनिया है। तो जब जमीन पे उतरते हो तो आपको समझ में आता है कि यार जिसको मैं मेरी समझ मान रहा था वो कैसे टूट टूट के बिखरती है। कुछ नहीं हिलता है, ना घर में हिलता है, ना पड़ोस में हिलता है, ना अपने भीतर में कुछ बदलता है। ये अनुसंधान मिला, ये दर्शन मिला, मैंने पहला शिविर किया तो मैं 3 दिन खुशी के मारे सो नहीं पाया। क्या खुशी यार, ये तो इतना मुश्किल काम ही नहीं है। अब समझ में आ गया किसी को ठीक नहीं करना है, ठीक होना है। और वेस्टलैंड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट, एजुकेशन की प्रॉब्लम, सरकार की प्रॉब्लम, है ना, दोरानी जेठानी सास बहू, सारा एक ही प्रॉब्लम है कि हमारी हम स्वयं को जिंदा रहने को जीना माने हुए। केवल सॉफ्टवेयर ठीक होना है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसमें कोई बजट की जरूरत भी नहीं है, ना किसी से फंडिंग मांगनी है, ना किसी का कोई झंझट करना है। केवल समझना है और पहले अपने परिवार में प्रैक्टिस करके देखना है। तो भाई साहब 7 साल के वो तमाम समस्याएं जिनको मैं मानता था कभी ठीक नहीं, पत्नी कभी खुश होगी नहीं, वो तो परमानेंट फीचर है, पड़ोसी को पता नहीं चलेगा, ये अच्छी बात है, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है तो अपने को पता ही है। 6 महीने में साल भर में तो मामला निपट गया, 6 महीने साल भर में ये कॉन्फिडेंस आ गया यार ये मामला काम करेगा। और ये युवा पीढ़ी की जरूरत है। जब मैं दर्शन में आया था तो अधिकांश लोग या तो वो थे, बहुत कम लोग थे, या तो वो शादी नहीं किए थे या वो अनमैरिड लोग थे। तो मेरे मन में तो ये भी क्वेश्चन आया था कि इसमें मैरिड आदमी का कोई काम है कि नहीं। और चूंकि मैं तो यंग था, करीब 27 साल मेरी उम्र रही होगी, 27 या 28, तो मेरे को लगा यार ये युवा पीढ़ी की जरूरत है। तो फिर हमने NIT रायपुर में बहुत काम किया, IIT दिल्ली के बच्चों के साथ बहुत काम किया, फिर एक लंबी कहानी है, फिर तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। तो इस सारी चर्चा का सार ये निकला कि जितना हम प्रॉब्लम को ओन करते हैं उसका सॉल्यूशन हमारे पास बेशक ना हो, हमको रोज असफलता क्यों ना भोगनी पड़े, उससे भी कोई नुकसान नहीं होता है, हमारी सच्चाई को समझने की पात्रता बढ़ती। इसलिए जिंदगी में असफलता जैसा कुछ नहीं होता है, लर्निंग होती है, लर्निंग होती है और लर्निंग होती है। लर्निंग 2 भाग में होती है, एक भ्रम की समीक्षा है, एक सही का मूल्यांकन है। एक लर्निंग ये है कि इससे नहीं होगा, मानव के लिए, मानव के निरंतर सुख पूर्वक जीने के लिए, परिवार के समृद्धि पूर्वक जीने के लिए, समाज के भयमुक्त होने के लिए, प्रकृति में संतुलन के लिए क्या करने की जरूरत नहीं है, और ऐसा होने के लिए क्या करने की जरूरत है, तो सही का मूल्यांकन और क्या नहीं करना है, क्या अनावश्यक है, इसकी समीक्षा। 2 भाग में लर्निंग होती है। तो विद्या में जुड़ने के पहले हमारा क्या नहीं करना है वो लर्निंग पूरा हो गया। इसलिए जब विद्या सामने आई तो क्या करना है ये स्वीकार होते ही हमने दौड़ लगानी शुरू कर दी। 4 शिविर करने के बाद मैंने शिविर लेना शुरू कर दिया था। 4 शिविर करने में मेरे को 1.5 से 2 साल लगा होगा। उस समय बुक उपलब्ध नहीं थी, आदरणीय नागराज जी केवल उपलब्ध थे, एक ही बुक उपलब्ध थी और कोई वीडियो कुछ उपलब्ध रहता नहीं था, केवल एक बुक, साल में एक शिविर और एक नागराज जी, इतना ही हमारे पास उपलब्ध होता था। तो देखो आज आपको, आज चाहे नागराज जी सशरीर हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप जितने क्वेश्चन पूछ सकते थे यदि वो सशरीर होते उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ के वीडियो के रूप में उपलब्ध है। तो आज आपको ये कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी कि नहीं होते तो हम भी कुछ पूछ लेते। तो शायद हमारे मित्रों ने, सबने मिलके
इतना काम कर दिया कि आज कोई व्यक्ति नया जुड़ता है तो उसको इस बात का गम नहीं रहेगा कि नहीं होते तो मैं भी चार क्वेश्चन पूछ लेता या मेरी भी जिज्ञासा, तो लगभग वो काम काफी हद तक पूरा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह रहा था कि इंद्रियों में जीना जीना नहीं है, ये इस परंपरा ने हजारों साल पहले पहचान लिया, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी जर्नी है। दूसरे का निष्कर्ष मेरा निष्कर्ष नहीं है। कोई दिन मेरा निष्कर्ष आ जाता है कि ठीक है, खाना पीना उठना बैठना शादी ब्याह बच्चे सब ठीक है, लेकिन ये जिंदगी नहीं है। तो क्या जिंदगी है, तो ये इसमें बहुत क्लियरली शब्द से हम कह पाए, उसको समझ भी पा रहे, जी भी पा रहे, समझा भी पा रहे। तो ये एक अद्भुत घटना है कि जिंदगी को शब्दों से कहा जा सकता है, क्लासरूम में उसको लाया जा सकता है। तो प्रिय हित लाभ में जीने के स्थान पर न्याय धर्म सत्य वरीयता में आ जाए। वरीयता में कैसे आता है, जब मेरे पास श्रवण हो गया, सूचना पूरी आ गई, तो अब मेरे दोनों सॉफ्टवेयर चलते हैं। एक तो मेरे पास पुराने अभ्यास सारे हैं, तो पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह दो चीजें बोला। पूर्वाग्रह मतलब पूर्व की कंडीशनिंग, जो भी कंडीशनिंग मेरे पास है वो मेरे पास है। दूसरा, इंद्रियों से सुख पाने के जो भी अभ्यास मेरे पास हैं वो भी मेरे पास हैं। तो इंद्रियों से प्रभावित होने का एक चीज है जो मेरे को प्रभावित करता है, और पुराने अभ्यास मेरे को पुरानी इच्छाएं खींच के वहीं ले जाती और मैं उनको भोगता हूँ। भोगते समय ये नया सॉफ्टवेयर देखते रहता है, पूछता है क्या निकला, क्या हुआ, क्या निकला, अब तो भाषा तो आई गई, निरंतरता तो नहीं हुआ। लेकिन जो उसका प्रेशर है, जो आदत है, हैबिट है, उसमें एक बार, दो बार, सौ बार, 500 बार, कितनी बार भी उसको उसमें जाता हूं, हर बार निष्कर्ष यही आता है कि निरंतरता तो नहीं। तो इससे क्या होता है, पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह का बल कम होते जाता है, न्याय धर्म सत्य का बल बढ़ते जाता है। कोई दिन ऐसा आता है जब ये न्याय धर्म सत्य इसको निपटा देता है, जा हो गया काम। और आपको पता भी चलता है, पहले जितना प्रभाव था इंद्रियों में सुख भोगने का, अब उतना आकर्षण, उतना दबाव अब नहीं रहा, यह आपको पता भी चलता है। तो वो जो आराम मिलता है, वो जो कोई मेरे को चलाता है और मेरी, मैं बेबस हो जाता हूं, मेरे अभ्यास, मेरी इंद्रियां मेरे को चलाती हैं और मैं बेबस और असहाय हो जाता हूं, ये मेरे को स्वीकार नहीं होता है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं होता है। तो ये जो अपने भीतर कॉन्फिडेंस कम होने की जगह है, लो फील करने की जगह है कि मेरा खुद पे कोई नियंत्रण नहीं है, मेरे पास जिंदगी का कोई बड़ा सपना नहीं है। तो मेरे पास जिंदगी के बड़े सपने आज हैं और उनको साकार करने की दिशा भी मेरे पास है, और जो पीछे एंकर डला हुआ था, है ना, ऐसा कभी पुलिस के पकड़ने में आए हो, पुलिस जब किसी को पकड़ती है तो ऐसा पकड़ती है, हथकड़ी नहीं रहती है तो ये बेल्ट में हाथ डाल देते हैं। बेल्ट में हाथ डाल दिया तो कितना भी ताकतवर आदमी हो अब हिल नहीं सकता, इतनी तगड़ी पकड़ होती। तो सामने वाले को लगता है ये ठीक है, चल क्यों नहीं रहा है, अब पीछे से मेरे को पकड़ रखा है, लोभ मोह काम बहुत मस्त, चलना तो मैं भी चाहता हूं, पर ये ग्रिप इतनी तगड़ी है कि चलने नहीं देती। और 10 साल बाद देखता हूं यार वहीं खड़ा हूं, कुछ जिंदगी में बाहर नहीं आ रही है। तो बार बार ये निष्कर्ष मेरे को परेशान करते हैं और धीरे धीरे, है ना, जब मेरे को ये वातावरण मिलता है और अपने भीतर के जो भी प्रायोरिटी जैसे आती है, तो जैसे ही न्याय धर्म सत्य प्रायोरिटी में आता है, उसका एक बड़ा लाभ मिलता है कि ये कंपैरिजन बंद हो जाता है। मैं किसी के साथ अब अपना कंपैरिजन नहीं करता, और कोई कंपैरिजन करता भी है तो मैं उससे प्रभावित नहीं होता। तो दूसरों के जज करने से मैं मुक्त हो जाता हूं, और मैं खुद भी अपने आप को न्याय धर्म सत्य के अर्थ में जज करता हूं, और उस अर्थ में मेरी लोकेशन, मेरा डेस्टिनेशन
और मेरी जर्नी अब निरपेक्ष है, अब दूसरा इसमें शामिल ही नहीं। इसलिए देखो मैं कहता हूं, हमारी जो प्रिय हित लाभ की जर्नी है वो हॉरिजॉन्टल जर्नी। हॉरिजॉन्टल जर्नी क्या है? वो सड़क की जर्नी। सड़क की जर्नी में क्या होगा? गाय भी आएगी, गड्ढा भी आएगा, ट्रैफिक भी आएगा, दूसरा वाला साइंस से गलत तरीके से ओवरटेक कर जाएगा और मैं गाली देता रह जाऊंगा, पर उसको तो सुनाई नहीं दिया। तो ये हॉरिजॉन्टल जर्नी। अब मैं वर्टिकल जर्नी करता हूं, है सीधा ऊपर, ये वर्टिकल जर्नी। अब ना इसमें गाय आएगी, ना गड्ढा आएगा, ना ट्रैफिक आएगा, है ना। और मेरी जर्नी, मेरे को पता लक्ष्य दिखाई दे रहा है। जब लक्ष्य दिखाई देता है फिर कौन आगे निकल गया कौन पीछे रह गया इससे भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लक्ष्य स्वीकार हो जाए, लक्ष्य समझ में आ जाए। अब तक लक्ष्य नहीं था, अब तक लक्ष्य ये था कि इससे आगे निकलना है, उससे पीछे रह गया, किसी से पीछे रह गया और किसी से आगे निकलना है, ये हारा हुआ आदमी है। जब मेरे को मेरा लक्ष्य दिख जाता है तो लक्ष्य के लिए मेरा प्रयास रहता है। फिर कोई आगे निकल गया तो क्या हुआ, यार ये पहुंच गया तो मैं भी पहुंच ही जाऊंगा, और कोई पीछे रह गया तो मैं इसको सहयोग दे ही सकता हूँ। लक्ष्य समझ में आ, तो ये जो निरपेक्ष जर्नी है इसमें ना किसी से आगे जाना है ना किसी के पीछे जाना है, पूर्णता के अर्थ में सहयोग लेना है, पूर्णता के अर्थ में सहयोग देना है। पूरी जर्नी सारे बंधन से मुक्त हो गई। कितना हो गया? अब आराम का काम हो गया। तो ये जो आराम आया, ये आराम आने से मेरी जो ऊर्जा बची, कितनी ऊर्जा बची, मैं वो क्रिया शक्ति बोला था, इच्छा शक्ति नहीं बोला। क्रिया शक्ति का मतलब है इंद्रियों से ऊर्जा का अपव्यय ना होना। इच्छा शक्ति का मतलब है कल्पनाशीलता में भी ऊर्जा का अपव्यय ना होना। ये सारी लीकेज बंद हो गई, बंद हो गई, अचानक कुछ नहीं हो रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे आपको पता चलता है अब इंद्रियों से ऊर्जा अपव्यय होना बंद हो रहा, कम पहले से कम हो रहा है, कल्पनाशीलता में भी ऊर्जा का अपव्यय कम हो रहा है। ये ऊर्जा का अपव्यय कम होना ये मेरे भीतर एक कॉन्फिडेंस को जन्म देता है कि मेरी कल्पनाशीलता और मैं शरीर को, अब शरीर मेरे हिसाब से चलता है, कल्पनाशीलता मेरे हिसाब से चलती है, न्याय धर्म सत्य के अर्थ में चलती है। और जितनी ये ऊर्जा बची है ये बहुत आराम देती, यही विश्राम है। मानव का समस्त श्रम विश्राम के लिए है। मैं मानसिक रूप से वो आराम पा जाता हूँ कि मंजिल तक पहुँच ही जाऊँगा, मैं सही दिशा अभी नहीं पाया हूँ लेकिन मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, मेरी दिशा से मुझको तृप्ति है, मेरी उपयोगिता से मुझको तृप्ति है, राह भी सुखदाई है और मंजिल भी सुखदाई। बढ़िया। इतना होने से वरीयता आ गया, वरीयता आ गया, प्रायोरिटी आ गई कि मेरे को न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना है। लेकिन अभी भी PHL साथ में चलता ही है, अभी खत्म नहीं हुआ। न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना है, इधर न्याय धर्म सत्य का एड्रेस मिल गया। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि मेरी प्रिय हित लाभ की कल्पनाशीलता न्याय धर्म सत्य की, इन तीनों को मिला के बोला तो कल्पनाशीलता। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि मेरी प्रिय हित लाभ की कल्पनाशीलता का न्याय धर्म सत्य की कल्पनाशीलता में ट्रांसफॉर्म हो जाना। ट्रांसफॉर्म होने में भी दो स्टेप, पहले एक स्टेप और बीच में आ गया, श्रवण पूर्वक न्याय धर्म सत्य का श्रवण हो पाना, अपने प्रिय हित लाभ से कंपैरिजन हो के धीरे धीरे न्याय धर्म सत्य का वरीयता में आ जाना। तो ये अब मेरे को प्रिय हित लाभ की कल्पना तंग नहीं करती है, वैसा तंग नहीं करती है कि बिल्कुल एकदम
क्या है, क्या दिमाग का दही कर दिया, क्या बोलते हैं, है ना, ये जो दिमाग का दही हो जाता है या इस तरह का जो बहुत कुछ हम यूज कर रहे हैं, फिर ऐसा वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। न्याय धर्म सत्य की कल्पना का अस्तित्व में न्याय धर्म सत्य को पहचान लेने का नाम साक्षात्कार है। यहां से ये विंडो टूट गया, ये दरवाजा खोल लिया। क्या मतलब साक्षात्कार क्या है? जैसे साक्षात मतलब साक्षात, जैसे जीवन एक वास्तविकता है। जैसे अपन ने न्याय को समझा, न्याय क्या समझ में आया? जिस तरह से अस्तित्व में सभी इकाइयां बड़ी व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानती है और हमेशा उसी अर्थ में बनी रहती है, ये स्वीकार हो गया। जितना अध्ययन करेंगे, है ना, 12 बुक्स में जाने का इतना ही मतलब है कि अलग अलग डायमेंशन से हमको सहअस्तित्व की क्लैरिटी आ जाए, सहअस्तित्व का क्लैरिटी आ जाए। उसमें भी जो मैंने शेयर किया कि फरवरी में बाय द वे, आप में से यदि आपकी किसी की अनुकूलता बनती है कि हम मानव व्यवहार दर्शन का 21 दिन का सत्र करना चाहते हैं, है ना, हालांकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 7 फरवरी से शुरू होगा, लेकिन इस बीच में यदि किसी की बहुत इंटेंसिटी बनती है तो देख लेंगे, इस बीच में संभव होगा तो एक अध्ययन बिंदु शिविर, जितना वीडियो से देख सकते हो देख लेना। तो मानव व्यवहार दर्शन बेसिकली पूरे दर्शन की एक कोर बुक है, जिसमें कि पूरी सृष्टि की उत्पत्ति से लेके मानवीय आचरण से लेके जीवन क्रिया तक पूरा एक बार में एक बर्ड व्यू पूरा आ जाता है। मानव व्यवहार दर्शन होने से पूरे दर्शन का एक बर्ड व्यू बन जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब मानव के बीच में न्याय कैसा होगा, अब पूरी सृष्टि को विजुलाइज करें, मानव के अलावा एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके पूरी धरती और धरती पे सारे पेड़ पौधे और पशु पक्षी और ये पूरा वातावरण और ये पूरा सोलर सिस्टम और ये गैलेक्सी, सब कुछ कैसा है, सब कुछ कैसा है, कहीं कन्फ्लिक्ट नहीं, सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ अपना अपना, है ना, नियम में है, नियंत्रण में है, संतुलन में है, बढ़िया है। मानव कैसा है? ये इधर गड़बड़ हो रहा है। अब पता चला कि जिस तरह से सभी इकाइयां सहअस्तित्व पूर्वक एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूरकता को पहचानती हैं, उसी तरह से मानव को भी एक दूसरे के साथ उस उपयोगिता पूरकता को पहचानना है। तो लक्ष्य क्या हुआ? अब मेरा लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य। मेरी वाइफ का लक्ष्य क्या होगा? मानव लक्ष्य। मेरे बेटे का लक्ष्य क्या होगा? मानव लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या होगा? मानव लक्ष्य। अमेरिका में क्या होगा? अफगानिस्तान में क्या होगा? मानव लक्ष्य। सबका जब लक्ष्य एक है तो हमारी जर्नी भी एक, फिर हम एक दूसरे के साथ अपनी, हमारी भूमिकाएं अलग अलग रहेंगी। कोई शिक्षा का काम करेगा, कोई स्वास्थ्य का काम करेगा, कोई प्रोडक्शन का काम करेगा, कोई उसमें विनिमय एक्सचेंज का काम करेगा, कोई न्याय के, अलग अलग डायमेंशन में लोग काम करेंगे। एक आदमी कई डायमेंशन में भी काम करेगा, लेकिन जो कुछ भी करेगा उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? मानव लक्ष्य साकार होता हुआ दिखाई देगा। सभी मानव समाधानित हो जाएं, सभी परिवार समृद्धि के साथ जिए, मानव लक्ष्य साकार होता हुआ दिखाई देगा। अब आप कोई भी काम करो, लेकिन आपकी समझ क्या है मानव लक्ष्य के लिए? हम सब क्या चीज के लिए काम कर रहे? मानव लक्ष्य के लिए काम कर रहे। जब धरती के सभी मानव में बाई एजुकेशन मानव लक्ष्य की स्वीकार्यता हो जाएगी तो एक दूसरे को किस निगाह से देखेंगे? एक दूसरे को, उस मानव लक्ष्य को मैं तो साकार नहीं कर सकता। मेरे भीतर ये बड़ा सपना आ गया है कि ये मानव समझदार हो जाए, परिवार सारे समृद्धि से जिए, है ना, हमारा संसार। और ये किसके लिए सपना देख रहे? कोई समाज सेवा नहीं है, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। कल मेरे बच्चे की शादी होगी तो कहाँ होगी? समाज में होगी। कल मेरे घर में कोई बेटी आएगी तो कहाँ आएगी? मेरी बेटी जाएगी तो कहाँ जाएगी, है ना? तो कुल मिला के अपने ही, मैं हमारे बच्चे, हम काम करेंगे तो कहाँ काम करेंगे? इसी समाज में काम करेंगे।
पूरे विश्व में कहीं भी जा सकते हैं, अब तो पता नहीं चलता कौन कहाँ निकल जाता है। तो इसका मतलब अब तो धरती बहुत छोटी हो गई, तो पूरा प्लेनेट पे ही है ना। अब ये सपना यदि स्वीकार, क्योंकि इस सपने से कम में हम सुखी भी नहीं हो सकते, तो मेरे अब ये सपना बहुत अनरियल नहीं है, बहुत अनप्रैक्टिकल नहीं है, बहुत अन आइडियल नहीं है कि सभी मानव समझदार हो जाए। आप नहीं जानते हो कि आपके आपके बेटे की बहू कौन से कंट्री से आने वाली, और कुछ भी हो सकता। तो कितना मानसिक रूप से तैयार रहने की जरूरत है। और घर रही ना, अब ये घटना ऐसी नहीं रहेगी अपने घर में, दिया दूर हो रही है, कभी भी अपने घर में हो सकती है। किसने कुछ बोला पीछे से? तो अभी मैं कोई सही गलत पे कमेंट नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये सपना मेरा हो गया तो इस सपने को मैं अकेले साकार करूंगा। मैं इसको अकेले साकार कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो मेरे को लगेगा ही आप इसमें सहयोग, आप साथ में हो जाओगे तो मेरे को कैसा लगेगा? अच्छा ही लगेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सारे मानव को देख के एक तो मेरे को अपनापन सा लगने लगा, क्योंकि सारे मेरे को समझ में आता है। आपको समझ में आए नहीं आए, मेरे को तो समझ में आता है। अब जीवन है, शरीर अलग है, सुखी होना चाहते, तो सबको देख के मिला मिला जैसा लगता है, नयापन जैसा नहीं लगता। मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, मेरे को सबसे मिलके ऐसे लगता है जैसे पहले से देखा हुआ है। बोलता नहीं हूँ तो मैं, यार सारे यही बोलेंगे पहले से देखा हुआ बोलता है, क्योंकि वो समझा समझा सा दिखाई देता है, लगता है कि हाँ मैं तो समझता हूँ इसको। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि ये हमको स्वीकार हो जाता है तो अब मेरे को दो मानव के बीच की भूमिका कैसी होगी? अब मैं दूसरे मानव को देख के जज करूंगा कि दूसरे मानव को देख के समझने की कोशिश करूंगा? और समझ के हम कैसे सहयोगी हो सकते हैं उसके लिए कोशिश करेंगे। आदरणीय कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन में बैठ के नागराज जी से कहा, अगली शरीर यात्रा में आपका शिष्य होके पैदा होना है। अगला सेंटेंस काम का। तो उन्होंने कहा, इसी शरीर यात्रा में मित्र बन के काम करने में क्या बुराई है। बड़े लोग की बातचीत सुनने का भी एक अपना मजा है। क्या मीटिंग थी वो, राष्ट्रपति भवन में बैठती ओपनिंग, आदरणीय नागराज जी कलाम साहब से कह रहे हैं, तुमने अपराध के सिवा अभी तक कुछ नहीं किया है। बोले, राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? उधर से जवाब आता है, प्रायश्चित क्या है? अपने कान से सुनी बात ही कर रहा हूं, प्रायश्चित क्या है? तो नागराज जी कह रहे हैं कि विश्व के सारे राष्ट्राध्यक्षों को परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए तैयार करो, परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए तैयार करो, डिस्ट्रॉय करने के लिए, एटॉमिक वेपन को खत्म किया जाए, न्यूक्लियर आर्म। तो बोले, मैं इसके लिए प्रयासरत हूं। एक संवाद पूरा हुआ। दूसरा संवाद, तुम्हारे राष्ट्रपति भवन में बुजुर्गों का सम्मान नहीं। वो कैसे? बोले, इतनी दूर से हमको 90 वर्ष की उम्र में जो है पैदल चलाया गया है। को गलती का ध्यान हुआ, जब हम निकले तो गाड़ी बिल्कुल उसी हॉल के पीछे लगाई गई जहां हम बैठे थे। बोले, तुम्हारे राष्ट्रपति भवन में ऐसा लगता है कि सज्जन लोग नहीं आते। वो कैसे? बोले, हमारी तलाशी ली गई, इसका मतलब सज्जन लोग यहाँ आते ही नहीं, चोर उचक के आते। ऐसा उन्होंने कहा नहीं, सज्जन लोग नहीं आते ऐसा कहा। बोले, वो कैसे होगा, यहाँ तो सिक्योरिटी के कारण तलाशी लेना पड़ता है। बोले, अमरकंटक आना, वहां समझाएंगे। क्या फिर? बोले, नारियल मंगाओ। हमारा राष्ट्रपति भवन में हड़कंप मच गया, वहां नारियल था नहीं भाई, वहाँ कोल्ड ड्रिंक और ये ड्रिंक और वो ड्रिंक, ऐसा बहुत सारा सामान था। वो बोले, नारियल लाओ। अब नारियल का बहुत भाग, मैं बाबा यहाँ नारियल कहाँ से लाएंगे, हमारे पास आते हम पिलवाते कि नहीं बहुत मजा।
क्या ताकत है ये, क्या ताकत है कलाम साहब जैसे राष्ट्रपति से ऐसा बात करने की हिम्मत, क्या ताकत है ये ज्ञान का जलवा, ये ज्ञान का जलवा। तो क्या हुआ अब बताओ, न्याय को पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे? अभी न्याय को हम शब्दों में पहचान लिए कि नहीं? कितने लोग ये कह सकते हैं कि मैं न्याय को कम से कम शब्दों में पहचान पा रहा हूं? गुड, ठीक हो गया। कोई दिन ये बिल्कुल ऐसा साक्षात दिखने लगता है यार यही न्याय है। इस बात को समझते समझते अपने में परकुलेट होते होते है ना, मैं पहचान पाता हूं कि जो सृष्टि में व्यवस्था है, जैसे जितना ये को एग्जिस्टेंस खुलता जाएगा उतना हमको मानव और मानव के बीच में वो रिश्ता दिखता जाएगा और वो है ना। तो मैं इसका छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे हमने जीवन को लेके, जैसे जब आप इस शिविर में नहीं आए थे तो मैं के बारे में आपकी क्लैरिटी क्या थी है ना? अभी आपके आपके पास मैं की क्लैरिटी कैसी है? पहले से कम है कि ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। तो ये क्लैरिटी कहाँ रखी है? चित कल्पनाशीलता में। तो कल्पनाशीलता में देखो साक्षात्कार क्या चीज है, जो निरंतर वास्तविकताएं हैं उनका साक्षात्कार होता है, पानी का साक्षात्कार नहीं होता। पानी फिजिकल चीज है, तो जो जो चीजें परिवर्तनशील हैं वो साढ़े चार क्रिया में पकड़ में आ जाती है। तो जितनी भी परिवर्तनशील वास्तविकताएं हैं वो साढ़े चार क्रिया में पहचान में आ जाती हैं। इसलिए जिंदा रहने के लिए और साइंटिफिक इनोवेशन के लिए एक लेवल तक साढ़े चार क्रिया पर्याप्त है, चांद तक जाने के लिए भी साढ़े चार क्रिया पर्याप्त है। और अभी तो मैक्सिमम लोगों ने साढ़े चार क्रिया को भी पूरी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं किया, कुछ ही लोगों में लॉजिक और मेमोरी साढ़े चार क्रिया का जलवा है, और हमारी वर्तमान पूरी शिक्षा साढ़े चार क्रिया में है। इसमें कहीं भी जिंदगी इसके ऊपर शुरू होती है। तो इससे ये समझ में आया कि जैसे जीवन एक सूक्ष्म वास्तविकता है, एटम भी सूक्ष्म वास्तविकता है। तो जीवन है, इसका मीनिंग कहां पे है? चित्रण में। और जीवन खुद कहां पे है? नेचर में। मैं स्वयं हूं, आप हैं। तो कल्पनाशीलता में जिस निरंतर वास्तविकता का मीनिंग आया है, कल्पनाशीलता उस वास्तविकता को पहचान लेती है अस्तित्व में, इसका नाम साक्षात्कार है। बात पहुंची? मेरे पास जीवन का मीनिंग कल्पनाशीलता में है। क्या होता है जीवन? गठन पूर्ण परमाणु है, जीवन में अक्षय बल शक्ति है, निरंतर सुख की चाहत है, पुंजाकार विधि से शरीर को चलाता है, ऐसा बहुत सारा डिटेल मेरे पास आ गया। लेकिन सारा अभी ये भाषा है, तर्क है, भाषा है, तर्क है, मेमोरी है। लेकिन इस भाषा और तर्क के साथ कोई दिन मैं इस रियलिटी को एग्जिस्टेंस में पहचान लेता हूं कि हाँ ये तो है, ये साक्षात्कार। तो कल्पनाशीलता का वास्तविकता के साथ तदाकार हो जाना साक्षात्कार है। पहुंच गया? पहुंच गया। तदाकार हुए बिना हम कोई भी फिजिकल काम भी नहीं करते हैं। मन भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ तदाकार होता है, जैसे हम अपने नाम के साथ तदाकार हो गए। हमारा नाम सुनते ही हमारे आंख नाक कान सब खुल जाते हैं। हाँ, मेरी बात हो रही है ना? हम बिना तदाकार हुए गाड़ी भी नहीं चलाते। तो मन भौतिक रासायनिक संसार के साथ तदाकार होता है। यदि मैं जीभ के साथ तदाकार नहीं होता हूं तो मेरे को जीभ के किसी स्वाद का पता नहीं चलता है ना। यदि मेरे को लिखना है और मैं हाथ के साथ तदाकार नहीं होता हूं तो लिख नहीं सकता। यदि मेरे को बोलना है तो मैं बोलने के साथ तदाकार नहीं होता हूं तो बोल नहीं सकता। यदि मेरा ध्यान भटकेगा तो नहीं बोल सकता, और नहीं भटकता है तो, और मन की ताकत है, परंपरा ने इसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो शतावधानी एक शब्द आता है, आप बेहतर समझते होंगे। मन एक बार में 100 जगह में रह सकता है। पुराने कुछ कुछ इतिहास में एग्जांपल हैं,
वो कौन था जिसमें एक साथ कई रूम में घंटी बजाई जाएगी और सारे रूम की घंटी वो अलग अलग गिन देता है। एक साथ पैरेलल 10 रूम में घंटी बजाई जा रही है और मैं 10 रूम की घंटियां अलग अलग गिन सकता हूं, ऐसा 100 बोला। परंपरा नहीं ऐसा पहचाना, 100 होता है कि नहीं होता है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल तो इतिहास में थे, मिलते हैं, जो जिसने ऐसा 10 रूम की घंटियां अलग अलग बज रही हैं, उसका नाम मेरे याद नहीं रहा। इसका मतलब है कि मन अक्षय बल शक्ति संपन्न है, अभ्यास पूर्वक मैं मन को 10 अलग अलग जगह में एक साथ रख के एक्टिविटी को नोटिस कर सकता हूँ, ऐसा मन की ताकत है। तो इसका मतलब यह हुआ, अभी हम इतनी बात कर रहे हैं, जैसे कह रहा मैंने एग्जाम्पल दिया था ना ध्यानचंद की हॉकी, क्या चीज थी, क्या चीज, उसका अपनी हॉकी के साथ इतना तादात्म है कि बॉल और स्टिक चिपके हुए मालूम होते हैं, है ना? जैसा ये कंटेंट हमारे को ध्यान में आ गया है तो हमको कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है, कहीं से भी क्वेश्चन करो, कहीं से भी बात करो, ना लैंग्वेज बना, अपने आप वो बनता ही जाता है, बनता ही जाता है, बनता ही जाता है। ये शिविर में एक महीना ऐसे चला सकता हूँ, एक महीने ना आपको थकान आएगी ना मेरे को आएगी, जब समझ में आता है तो थकान नहीं आती। छह दिन कैसे हो गए, नॉर्मली 7 दिन का शिविर करते हैं, जब 8वें दिन सुबह उठोगे ना तो आज लगेगा आज कहाँ जाऊं, क्योंकि 7 दिन आदत पड़ जाती है, उठे शिविर में, है ना, और बढ़िया पूरा दिन बढ़िया निकलता है, कुछ बढ़िया समझ में आ रहा है, 8 दिन लगता है आज कहाँ जाऊं, आओ। तो ऐसा, तो क्या समझ में आया, साक्षात्कार क्या है, कल्पनाशीलता में जो न्याय धर्म प्रिय हित लाभ नहीं, साक्षात्कार निरंतर वस्तु का ही होता है, मन की ताकत है कि वो परिवर्तनशील वस्तुओं के साथ तदाकार होता है, चित्त की ताकत है कि वो निरंतर वस्तुओं के साथ ही तदाकार होता है। जब तक उसको निरंतर का मटेरियल नहीं मिलेगा वो कहेगा अपने काम की चीज आई नहीं है। तो मन का, सॉरी चित्त का कल्पनाशीलता का वास्तविकता के साथ अदाकार हो जाना और अस्तित्व में न्याय धर्म सत्य को पहचान पाना, तो मैंने न्याय धर्म सत्य को अस्तित्व में पहचान लिया कि हाँ ये वास्तविकता है, इसका नाम साक्षात्कार है। तो क्या हुआ, अब देखो ध्यान से, साक्षात्कार होना ही निधिध्यासन है। निधिध्यासन, निधि मतलब होता है पूंजी, मेरा पैसा, निधि नहीं होता, निधि क्या बोलते हो, कौन सी निधि बोलते हैं, वो प्रोविडेंट फंड वगैरह में है ना, भविष्य निधि, निधि निधि मतलब पूंजी। निधि ध्यासन, मेरी जो पूंजी है मैं उसके पास आ जाता हूँ, मेरी जो कमाई है मैं उसके पास बैठ जाता हूँ, इसका नाम निधि ध्यासन है। मैं अपनी कमाई को पहचान लेता हूँ, ये मेरी कमाई है, इसके नीचे मेरी कमाई नहीं है, इसके नीचे शरीर को जिंदा रखने का जुगाड़ है। समझ साक्षात्कार से शुरू होती है, अनुभव पे पूरी होती है। तो साक्षात्कार में उसको मैं पहचान पाया, हाँ ये नेचर में है, अब मेरे को कोई शंका नहीं है कि है कि नहीं है। तो इसका मतलब देखो, अब एक बात पहचानने की, श्रवण एक दिन में होगा क्या, श्रवण एक दिन में होगा क्या, कितना समय लग सकता है, 1 साल 2 साल, और नहीं समझो, नहीं ठीक से ध्यान दोगे तो पूरी शरीर यात्रा, आप 1 साल में एक शिविर करके बैठ जाओगे तो पूरी जिंदगी भी लग सकती है, और एक शरीर यात्रा में ना भी हो ऐसा भी हो सकता है। ठीक से ध्यान देंगे तो 1 साल से ऊपर का मटेरियल नहीं, कुल मिला के 3000 पेज है ना, और आदमी रोज कितना पेज पढ़ सकता है, 10 तो पढ़ सकता है, 10 पढ़ेगा 3000 हो गए, है हो गए कि नहीं हो, तो कुल मिला के साल भर का काम। तो श्रवण एक क्रमिक क्रिया है, क्रम से होने वाली चीज है, 0 and 1 नहीं है, आंख खोला आंख बंद किया तो सुबह रात को सोया तो सुबह उठ के, ऐसा नहीं है। श्रवण एक दिन में पूरा नहीं हो रहा है। अब श्रवण शुरू हो गया, मनन कब होगा,
मनन कैसे होगा? श्रवण के साथ ही होगा, लेकिन जितनी मेरी जर्नी है वैसा होगा। तो मेरी पूर्व यात्रा में यदि मैं इस निष्कर्ष के नजदीक पहले से पहुंचा हुआ हूं कि इंद्रियों में जीना जीना नहीं है, प्रिय हित लाभ जिंदा रहने के अर्थ में है, इसमें जीना नहीं होगा, तो मेरा श्रवण बहुत, मेरा मनन बहुत जल्दी ही शुरू हो जा रहा है। और यदि मैं बिल्कुल मानता हूं कि भैया यही सब कुछ है, तो किसी एक लेवल के बाद जाके फिर वो शुरू होगा। तो सबके लिए एक होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग ही होने वाला है। तो मनन एक दिन में पूरा हो जाएगा, तो जहां से मनन शुरू हुआ, कोई चीज पे ध्यान गया, फिर धीरे धीरे, है ना, प्रिय हित लाभ में भी देते हैं, न्याय धर्म सत्य की रोशनी बनी रहती है, प्रायोरिटी बनती है, और प्रायोरिटी और प्रायोरिटी और प्रायोरिटी, कोई दिन मनन एक लेवल का पक जाता है। तो मनन भी क्रमिक क्रिया है, फिर निधिध्यासन, साक्षात्कार। साक्षात्कार एक दिन में होगा? खिड़की खुली और सब कुछ दिख गया? नहीं, वो भी एक क्रम से ही होगा, धीरे 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 धीरे। तो साक्षात्कार भी क्रमशः क्रिया है। जो साक्षात्कार में आया वो सीधा सीधा बोध में स्वीकार हो ही जाता है। जो साक्षात्कार में आया वो बोध में आ ही जाता है। तो बोध क्या है? न्याय धर्म सत्य का स्वीकृति बोध है, एनडीएस का स्वीकृति। एनडीएस की पहचान, एनडीएस का तुलन, एनडीएस का आस्वादन। तो क्या हो रहा है? न्याय धर्म सत्य का आस्वादन, न्याय धर्म सत्य का तुलन, न्याय धर्म सत्य की पहचान, न्याय धर्म सत्य की स्वीकृति। न्याय धर्म सत्य की स्वीकृति होती है तो न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने का जितना जितना बोध होता गया वैसा ही जीने का संकल्प होता गया। ये स्वयं स्फूर्त हो रहा है ना, स्थिति गति के रूप में रिफ्लेक्ट हो ही रही है। जैसा ही साक्षात्कार में आया वैसा ही बोध हुआ, वैसा ही संकल्प हुआ। जो संकल्प हुआ अब वैसा ही जीने का स्वरूप बना। अब ये जीने का स्वरूप बनता है, इसके आधार पे चित्रण होता है। अब ये चित्रण की क्वालिटी बदल गई। देखो चित्रण की क्वालिटी कैसे बदल रही है। एक पहला चित्रण था जो घोर प्रियहित लाभ के का था। एक संवेदनहीन व्यक्ति का चित्रण कैसा होगा? दूसरे का कोई भी नुकसान होता हो और नुकसान करके भी मेरा सुख हो सकता है, मेरा फायदा हो सकता है, तो किया जाए। ये संवेदनहीन व्यक्ति का चित्रण है। संवेदनशील व्यक्ति का चित्रण कैसा होगा? दूसरे को दुख परेशान किए बिना मेरा काम चल जाए और मेरी आवश्यकता से जो अधिक है वो दूसरे के काम आ जाए। ये जिंदा रहने में दूसरे के लिए हम सहयोगी हो गए। ये अभी अभी ये प्रियहित लाभ के अंदर ही है। अब न्याय धर्म सत्य का चित्रण आ गया। न्याय धर्म सत्य का चित्रण आते ही फिर ये एक बार बदल रहा है कि जिंदा रहना जीना नहीं है। जिंदा रहने के अर्थ में सहयोग करना अच्छी बात है, लेकिन फाइनली जीने देना ही जीना है, बाकी बाकी खाना पीना है। तो ये अब क्वालिटी और बदल गई। तो चित्रण ही कितनी क्वालिटी का हुआ है और कितनी क्वालिटी पे ये बदल सकता है। तो इस क्वालिटी पे चित्रण आ गया, तो अब ये चित्रण की वो क्वालिटी हो गई कि ये इसको ब्रेक करके और अस्तित्व में वास्तविकता को पहचानेगा। जैसे ही वास्तविकता को पहचानता है वो बोध में स्वीकार हो गया। जो बोध में स्वीकार हो गया वैसा जीने का संकल्प हो गया। ऐसा जीने का संकल्प हुआ उसके आधार पे जीने का स्वरूप बनता है और वैसा ही चित्रण होता है। अब चित्रण कैसा बदल गया? अभी तक चित्रण कैसा था? या तो संवेदनहीनता का या संवेदनशीलता का। अब चित्रण कैसा बनने लगा? जितना सह अस्तित्व, जितना भी हमको न्याय धर्म सत्य रिफ्लेक्ट हुआ, साक्षात्कार हुआ, उतना चित्रण में न्याय धर्म सत्य की क्वालिटी आने लगी। तो चित्रण पहले से, अब चित्रण बाहर से नियंत्रित होने की बजाय अब चित्रण अंदर से नियंत्रित होने लगा। अब चित्रण जैसा होगा वैसा जीने की क्वालिटी आएगी। तो लगातार लगातार श्रवण होते जाना, मनन होते जाना, उसका साक्षात्कार होते जाना, बोध संकल्प पूर्वक उसकी स्वीकृति होते जाना, चित्रण की क्वालिटी बदलते जाना, पहले से यहाँ आराम आते आना, उसके आधार पे हमारा जीना सरल होते जाना,
जितना जीना सरल होता है उसके आधार पर और अध्ययन के लिए प्रेरणा। जब भी मैं किसी बात को ठीक से कह भी पाया, जैसे भैया नहीं बता रहे थे उस दिन मैं आके बैठ गया था, थोड़ा सा मेरी वजह से इनका खराब हो गया था। ऐसे ही आदरणीय नागराज जी आके बैठ जाते थे तो हमारा खराब हो जाता था, होता ही है। तो इसका मतलब है कि अभी उसके प्रति पूरा विश्वास नहीं आया है। जब पूरा विश्वास आ जाएगा तो वैसा प्रभावित हम नहीं होते, है ना। तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूअसली जैसा मैं जीता हूँ मेरे व्यवहार में मेरे को क्वालिटी बदलती हुई दिखाई देती है, कार्य के बारे में स्पष्टता बनती हुई दिखाई देती है। कोई दूसरे के साथ कंपेयर नहीं होता है। किसी अमीर को देख के आपके भीतर कोई प्रतिक्रिया आती है तो ये प्रॉब्लम है। कोई गुटखा भी बेचे और शराब का धंधा भी करे, मानव तो है ना, उसके लिए प्यार ही आएगा, है ना। फिर ठीक है वो कोई काम कर रहा है वो उचित नहीं है, समझेगा तो ठीक कर लेगा। तो हम व्यक्ति को अलग स्वीकारते हैं, उसके एक्शंस को अलग स्वीकारते हैं। मेरे एक्शंस मैं नहीं हूं, वो मेरी अभी की कंडीशनिंग है। ये कंडीशनिंग बदल जाएगी तो एक्शन भी बदल जाएंगे। एक मानव जिंदगी भर में कितने व्यवसाय बदल सकता है, एक मानव कितना बदल सकता है, कौन कब कितना बदल जाएगा ये किसी को नहीं पता, हमको खुद को नहीं पता। इसलिए हम उस संभावना को देखते हैं कि यह आदमी भी कभी अच्छा ही परफॉर्म करेगा, बढ़िया ही जिएगा, मैं भी और अच्छा जीऊंगा। तो इसका मतलब है जैसा हम जीते हैं उससे जो फीडबैक वापस आता है वो दोबारा अपने भीतर स्टोर होते रहता है, है ना। किस रूप में होते रहता है, मेरे अंदर आस्वादन की अपेक्षा बनी हुई है। जब मैं जीता हूँ तो मूल्य मूलक आस्वादन हुआ, संबंध का निर्वाह हुआ, दोनों में तृप्ति हुई। वापस किसका आस्वादन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ संबंध में तृप्ति हो गई। मैं लक्ष्य को पहचान पा रहा हूँ, मैं लक्ष्य के साथ चल पा रहा हूँ, लगातार ये मेरे पास बना ही रहता है। तो इस तरह से मेरा सुख बढ़ रहा है कि घट रहा है, मेरा सुख बढ़ता जाता है। ये जो सुख बढ़ता जाता है उसके आधार पे और समझने की इच्छा बनी ही रहती है और अपने भीतर अपना चित्त और बढ़िया हो। चित्त शुद्धि का क्या मतलब है, चित्त शुद्धि का इतना ही मतलब है, मतलब जो दर्शन में परिभाषा है वो ये है कि ब्रह्मानुभूति के लिए चित्त का अनुकूल हो जाना चित्त शुद्धि है। ब्रह्मानुभूति मतलब मूल ऊर्जा, ईश्वर अनुभूति, ब्रह्मानुभूति, सहस्तित्व अनुभूति, कोई भी नाम लीजिए, तो फाइनली चित्त उसके लायक हो जाए। क्योंकि जब तक ये उसके चित्त एक लेवल तक की इसमें सफाई नहीं होगी, इसमें कोई मलिनता होगी, नेगेटिविटी होगी, तब तक ये इधर की तरफ नहीं देखता है, तब तक ये उसी से पीड़ित रह के उसी में घूमता है। तो इसका मतलब है और कोई दिन अब बोध शुरू हो, स्वीकृति हो गई है अवधारणा, है ना, बोध होता गया, अवधारणा बनती गई, सहअस्तित्व का न्याय धर्म सत्य का अवधारणा बनता गया, कोई दिन अवधारणा पूरी हो गई। न्याय धर्म सत्य का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो मेरे को पूरा साक्षात्कार होके बोध में स्वीकार हो गया। जिस क्षण बोध पूरा होता है ना, तो सत्य बोध हुआ। सत्य बोध होने के बाद उसी क्षण बुद्धि आत्मा को देखता है, इसका नाम, जिस क्षण बुद्धि आत्मा को देखता है उसी क्षण आत्मा परमात्मा में अनुभूत होता है, इसका नाम अनुभव है। तो देखो सारी चीज क्या है, इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे क्या है। अभी पूरा मामला कैसे है, ऊपर की तरफ कंट्रोल्ड है। होना कैसा था, ऊपर से नीचे। तो होना क्या है, शरीर को मन के अनुसार चलने के लिए समर्थ बने रहना है, इसका नाम स्वास्थ्य है। शरीर मन के अनुसार चलने के लिए समर्थ है, इसका नाम स्वस्थ शरीर है। मन वृत्ति के अनुसार चलने के लिए तैयार है, वृत्ति चित्त के अनुसार चलने के लिए तैयार है, विरोध नहीं करता है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। चित्त बुद्धि के अनुसार चलने, बुद्धि के अनुरूप हो गया है, तो शरीर मन के अनुरूप हो जाए, मन वृत्ति के अनुरूप हो जाए, वृत्ति चित्त के अनुरूप हो जाए। देखो जब आप यहाँ बैठे हो तो क्या होता रहे, क्यों इतने घंटे बैठ पाते हो, आप इतने घंटे लगातार ध्यान में रहते हो, क्या ध्यान और एकाग्रता में क्या फर्क है।
जैसे एकाग्रता क्या चीज है, फोकसिंग ऑन वन थिंग, क्या फोकसिंग, फोकसिंग क्या होता है, मतलब माइंड क्या होता है, तो इसको प्रिसाइजली कहें मानव में मन तीन डायमेंशन में एक साथ चलता है, सुनना बोलना देखना, ये तीन काम एक साथ हो रहे हैं। आप मेरे को या बोर्ड को देखते हो, मेरे को सुनते हो, जो मैं बोलता हूँ उस पे आपका विश्लेषण चलता ही रहता है। तो सुनना बोलना देखना, देखना मतलब समझने के अर्थ में, तो सुनना बोलना देखना तीनों एक साथ हो रहा है। सुनना बोलना देखना जब एक पॉइंट पे फोकस हो जाता है, इसका नाम एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। सुनना बोलना देखना तीनों एक पॉइंट पे आ जाए, इसका नाम एकाग्रता है। इसलिए हम बच्चों को क्या बोलते हैं, बोल बोल के पढ़ो। बोल के पढ़ने क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वो बोलता है उसी को सुनता है, जो बोलता है उसी को सुनता है, उसी को सोचता है, इसलिए उसको कॉन्सेंट्रेट करना इजी हो जाता है। तो पहले मंत्र बोल बोल के पढ़ते हैं, फिर मन ही मन बोलते हैं, फिर वो अपने आप ही चलना शुरू हो जाता है। तो मूल बात ये है, इसका नाम कॉन्सेंट्रेशन है, एकाग्रता है। ध्यान किसको बोलते हैं, ध्यान किसको बोलते हैं, तो न्याय धर्म सत्य को समझने के लिए एकाग्र होना, तो समझने के लिए हम ध्यान देते हैं। जब हम न्याय धर्म सत्य को समझने के लिए एकाग्र होते हैं, फोकस्ड होते हैं, इसका नाम ध्यान देना है। तो समझने के लिए ध्यान देना है, समझने के बाद ध्यान बना ही रहता है, ऐसा दर्शन में बोल रहे हैं। तो ध्यान करना है कि ध्यान देना है, ये कहाँ गए, तो समझने के लिए ध्यान देना है कि ध्यान करना है, करना और देने में क्या अंतर हुआ, जब ध्यान करना है तो ध्यान लक्ष्य है कि प्रक्रिया है, जब ध्यान करना है तो ध्यान ही लक्ष्य है क्योंकि वही सुखदायी काम है, तो ध्यान प्रक्रिया है कि ध्यान लक्ष्य है, ध्यान प्रक्रिया है कि ध्यान लक्ष्य है, प्रक्रिया है, ध्यान समझने के लिए प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो समझने के लिए ध्यान देना है, समझने के बाद ध्यान बना ही रहता है। एक बार समझ में आ गया फिर वो ध्यान में बना ही रहता है। देखो, जिसको हमने गहरे से स्वीकार लिया, फिर ऐसा नहीं होता है कि आप अपने पति को देख के बोलो कहीं देखे देखे से लग रहे हो, फिर ऐसा नहीं होता है। बहन जी, मैंने आपको कहीं देखा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। अपने बच्चे के बारे कोई डिटेल हमको याद रखना नहीं पड़ता है, नहीं नहीं मैं भूल गया उसका नाम, ऐसा याद रखना नहीं पड़ता है। कब से नहीं हो आप क्लास में, कब से नहीं हो, 3 मिनट, इसलिए आपको ढूंढा, आपके काम की चीज आई थी तो आपको ढूंढ रहा था। तो एकाग्रता और ध्यान पे हमने चर्चा किया कि ध्यान क्या है, एकाग्र क्या है, क्यों इतने घंटे हम आराम से बैठे रहते हैं। तो एकाग्रता का मतलब सुनना बोलना देखना, तीन क्रिया मानव में पैरेलल होती है। सुनना, सुनना का मतलब आप सुन रहे हो, देख रहे हो विजुअल और उसको समझने की दृष्टि से, और साथ में जो सुन रहे हो उसका विश्लेषण भी चलता रहता है। जो मैं बोल रहा हूँ उसका आपके अंदर विश्लेषण भी चलता रहता है, ठीक है कि नहीं है,
ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो सुनना बोलना देखना तीनों एक साथ हो रहा है। सुनना बोलना देखना एक ही पॉइंट पे हो जाए इसका नाम एकाग्रता है। शरीर के साथ जो कुछ भी करते हैं वो बिना एकाग्रता के नहीं होता है। चोरी भी करनी है तो एकाग्रता की जरूरत है, चुगली भी करनी है तो भी एकाग्रता से ही होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सही और गलत जो कुछ भी सारे काम जिंदा रहने के धरातल पर हैं सभी एकाग्रता के साथ होते हैं। यदि वहाँ मेरा मन नहीं है तो उस काम में गलती होने लगती है। मैं चलता भी एकाग्रता के साथ हूँ, हालांकि हम इस एकाग्रता को बोलचाल की भाषा में ध्यान बोल देते हैं। ये ध्यान नहीं है, इसको एकाग्रता कहा जाए तो ठीक। ध्यान क्या है? निरंतर वास्तविकताओं को समझने के लिए एकाग्र होना, ये ध्यान है। तो जब आप यहाँ हॉल में बैठे रहते हो तो आपका मन शरीर की तरफ झुका रहता है कि विचार की तरफ झुका रहता है? इसका मतलब उस समय मन शरीर को समर्पित होने की बजाय विचार को समर्पित रहता है। और विचार कहाँ समर्पित होता है? समझने की इच्छा के साथ। और इच्छा कहाँ समर्पित होती है? वास्तविकता की अनुभूति के साथ। तो क्या हो गया? ऊर्जा सूत्र है, ऊर्जा का बहिर्गमन ही ह्रास है, ऊर्जा का अंतर्नियोजन ही विकास है। बहिर्गमन मतलब बाहर की ओर जाना, चिल। चिल क्या है? ऊर्जा का बहिर्गमन। एक लेवल के बाद चिल मूड को रिफ्रेश करने के लिए कर रहे हो तो ये स्वीकार्य है। चिल में निरंतर सुख ढूंढ रहे हो, ये ऊर्जा का बहिर्गमन है। तो ऊर्जा का बहिर्गमन का मतलब है आशा विचार इच्छा बाहर सुख की तलाश में है। क्या सुख की तलाश में है? इंद्रियों में सुख की तलाश में है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ जी के सुखी होऊंगा और किसी लोभ, किसी साधन के साथ जी के सुखी होऊंगा। और इन तीनों में सुखी नहीं होता हूं इसका नाम क्रोध है। और इन्हीं से सुखी होऊंगा इस गहरी मान्यता का नाम मद है। और जो मेरे को बीच में रोकेगा टोकेगा उसको निपटा दूंगा इसका नाम मात्सर्य है। मात्सर्य, मत्सर, मत्सर, मात्सर्य। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऊर्जा का बहिर्गमन है, अपन ड्रेन हो जाते हैं। क्या क्रिया शक्ति इच्छा शक्ति का जागरण नहीं हुआ है तो ये अपव्यय लगातार होता है। ये अपव्यय ही थकान है। बढ़िया। अब ये ऊर्जा का अंतर्नियोजन होना, अंतर्नियोजन होने का मतलब आशा विचार इच्छा समझने के लिए नियोजित होना। आशा विचार इच्छा कल्पनाशीलता समझने के लिए नियोजित होना, ये ऊर्जा का अंतर्नियोजन है। तो अंतर्नियोजन, बेसिकली अंतर्नियोजन साक्षात्कार है, लेकिन उसके पहले श्रवण है, उसके बाद मनन है। श्रवण और मनन हो जाए तो उतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल गई कि अब ये साक्षात्कार को हम क्रैक कर सकते हैं। तो इस रूप में जितना ऊर्जा का बहिर्गमन रुकते जाता है उतना ही आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा मिलती जाती है। जितना ऊर्जा आगे जाती है ऊर्जा बहिर्गमन रुकता है, पुश-पुल पुश-पुल सिस्टम काम करता है। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? पीछे वालों, क्या बचा? प्रमाण। इतना जल्दी कहाँ आता है? आप बोल देते तो कर देते हैं भाई। देखो आयोजक आप हो, आपकी तो बात माननी पड़ेगी। तो क्या हुआ? बोध पूरा हुआ ना, श्रवण पूरा हुआ, इस बीच में मनन शुरू हुआ, मनन एक लेवल तक आया,
मनन इतना हुआ कि साक्षात्कार के लिए जगह बनी, तो निधि ध्यासन हुआ, बोध में अर्थ आया, तो लगातार पूरी क्वालिटी बदल रही है ना, चित्रण की क्वालिटी लगातार बदल रही है और ये अभी ये संकल्प से ड्रिवन हो रही है। और एक पॉइंट पे बोध पूरा हुआ, तत्काल आत्मा, तत्काल बुद्धि आत्मा को देखता है, आत्मा परमात्मा को देखता है, इसका नाम अनुभव है। इस पॉइंट पे ये पहचानना होता है कि खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है, यही ज्ञान है, यही पूरी सृष्टि के होने का आधार है, यही प्रमाण है। अब आर पार हो गया, अब कुछ भी शेष नहीं है, मैं पूरी सृष्टि का दृष्टा हूँ। तो जीवन ही दृष्टा कर्ता भोक्ता है, जीवन मानव ही न्यायकारी है, कल्याणकारी है, मानव ही अपने चरम विकास को पाता है तो भगवान होता है। जय हो, मंगल हो, कल्याण। दो मिनट सब रुक जाइए और फिर ब्रेक करते, 15 मिनट का करते भैया ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक करते, नहीं भूल गए आप, 4:30 बजे, ये 5:30 हो गया, 5:40 हो गया, नहीं कोई बात नहीं, एकदम सब ट्रांस में थी, सब बढ़िया हुआ एकदम, इसको रोक भी नहीं सकते थे। उस टाइम शिविर के बाद क्या इन्होंने ये किया है, तो हेलो भाई, देखो मैं आपके आयोजन से बहुत खुश हूँ, ये हमारे लिए प्रेरणादायी है, तो सभी आयोजक में जो भी लोग शामिल हैं सभी के लिए जोरदार ताली। इतना सिस्टमेटिक है, बहुत सिस्टमेटिक, बहुत ही बढ़िया। आगे पीढ़ी आगे, ऐसे आदरणीय नागराज जी बोलते थे, पर आगे पीढ़ी को देख के अभी और भरोसा हो रहा है, हमसे अच्छा ही करेंगे। हाँ जी, गुड। तो अभी थोड़ी सी बात हुई ही सत्र में कि शिविर के आगे क्या, शिविर करने के बाद क्या, तो इससे जुड़े रहने के लिए हमारी ही मेहनत काम में आती है, रिसोर्सेस तो है, अपॉर्चुनिटीज तो है ही, पर हम कितने प्रोएक्टिवली खुद की मेहनत से इसमें लगे रहते, उससे फल मिलता है, उससे ही उपलब्धि मिलती है। तो कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं जो हमारे हमें लगता है कि आगे की गति के लिए आपके लिए सहायक होंगे। तो कम से कम 3 परिचय शिविर इसके बाद आपने सुनने चाहिए, यानी तो 4 बोले, तो कम से कम 4 परिचय शिविर जब आप सुनेंगे तो हर बार कुछ ना कुछ नई बात ध्यान में आएगी, कुछ जो फंसा हुआ है, अटका हुआ है, वो कभी खुलेगा। तो बार बार परिचय शिविर सुनने का भी कोई महत्व है जो हमारी गति में हेल्प करता है। तो ये आप प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया शिविर होते रहते हैं, इसका स्केड्यूल भी आपको जो वेबसाइट्स है उस पर मिलेगा ही, और मैं भी आपके साथ ग्रुप पे मैसेज शेयर करते ही रहूँगी कहाँ पे कौन सा शिविर कब हो रहा है, कौन ले रहा है, तो इससे आप बने रहे। तो प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे भी ये सारे शिविर अवेलेबल है, हमारा भी शिविर हम कोशिश करेंगे कि 7 दिन बाद अपलोड करें, तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। फिर जैसे भैया ने बोला कि हर रोज़ लाल दवाई डबल डोज, मतलब एक एक घंटा रोज़ अध्ययन करना है, अध्ययन अभी हमारे लिए अध्ययन शिविर को सुनना, पुस्तकों को पढ़ना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, तो कैसे ना कैसे हम इससे जुड़े रहे, बने रहे, यही अभी हमारे लिए लाल दवाई डबल डोज है, तो उसका ध्यान रखें। फिर जीवन विद्या एक परिचय करके पुस्तक है, वो पहली पुस्तक है, उसमें मतलब कोर पुस्तकों में से नहीं है, पर बाबा जी ने जो एक उनकी बात रखी थी वो पूरी बात इस पुस्तक में आ जाती है, और काफ़ी सरल भाषा भी है इसकी कंपेयर टू दी अदर बुक्स, क्योंकि काफ़ी दार्शनिक भाषा होती है बाकी पुस्तकों की, पर जीवन विद्या एक परिचय आप
एक नॉवेल की तरह भी पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी वो पुस्तक है। और इसका ऑडियो वर्जन भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप इसका ऑडियो भी सुन सकते हो, वो भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। फिर अध्ययन बिंदु और विकल्प करके एक पतली पुस्तक है, जो ये जो पूरा दर्शन है उसका एक सिलेबस आप बोल सकते हो कि अध्ययन के क्या बिंदु है, अध्ययन किस चीज़ का होता है, उस पे ये बुक आधारित है। और मध्यस्थ दर्शन एक विकल्प क्यों है, यानी ये ऑल्टरनेटिव इसे क्यों बोला है, तो उसके बारे में भी आपको इस बुक में सब कुछ मिल जाएगा। और जैसे भैया ने शेयर किया कि मानव व्यवहार दर्शन जो है ये कोर बुक है इसकी, तो सारे ही बातें मानव व्यवहार दर्शन में भी आ जाते हैं, तो ये क्रम है। तो आप जीवन विद्या एक परिचय पढ़ सकते हैं, उसके बाद विकल्प एवं अध्ययन बिंदु, और मानव व्यवहार दर्शन, और मानव व्यवहार दर्शन के बाद बाकी के भी जो बुक्स है वो भी अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। नहीं, एक ही बुक है मानव व्यवहार दर्शन। फिर शिविर है, जैसे हम जो अभी कर रहे हैं ये परिचय शिविर है, इंट्रोडक्टरी शिविर है। इसके बाद जो अध्ययन के बिंदु है, अध्ययन की अगर आपको और गहरी बात जाननी है तो 7 दिन का अध्ययन बिंदु शिविर होता है, वो भी देश भर में होते रहता है, उसकी भी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप परिचय शिविर करने के बाद ही अध्ययन बिंदु शिविर कर सकते हैं, तब जाके कुछ कनेक्शन बनता है। अगर कोई डायरेक्ट अध्ययन बिंदु शिविर में पहुंच जाता है तो हो सकता है कि वो पकड़ ना पाए। और युवा शिविर भी होते रहते हैं, जैसे हमने सुबह आप लोगों को बताया कि एक इसके बाद ही हम मार्च में युवा शिविर भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें युवा आके जुड़ सकते हैं, और परिचय शिविर के आगे की बात वहाँ होगी, अलोंग विद श्रम और व्यवस्था में भागीदारी और व्यवहार, तो युवा शिविर भी होते रहते हैं, और साथ में अध्ययन शिविर तो है ही, तो सारे पुस्तकों का पठन। फिर अछोटी में वो 6 महीने का होता है, मानव तीर्थ में युवाओं के लिए 1 साल का होता है, हापुड़ में अभी महीने महीने भर का 20-20 दिन का हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स है इसके, आपके अनुकूलता के हिसाब से उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स है मध्यस्थ दर्शन, तो मैंने लिखी है, आप इस पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आगे की प्रक्रिया, फिर जो बुक्स भी है उसके भी सारे PDFs ये वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो सारा जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, स्केड्यूल है, प्रबोधक है, आगे पीछे इसका इंट्रोडक्शन जितना भी है, सब वेबसाइट्स में अवेलेबल है। jvconnect.info करके एक वेबसाइट है, इसमें अगर आप खुद को रजिस्टर, ये कम्युनिटी है तो एक इंटरैक्टिव वेबसाइट है ये, तो आप इस पे अगर खुद को रजिस्टर कर लेते हो, यू बिकम अ मेंबर ऑफ द वेबसाइट, तो उसके थ्रू आपको अपडेट्स आएंगे, या आप और भी लोगों से जुड़ सकते हैं, कौन कहाँ है, जैसे बहुत लोग यहाँ नागपुर के बाहर से आए हैं, तो आपके होम टाउन या आपके जगह के लोगों से भी मिल सकते हैं, तो ये इस वेबसाइट के थ्रू आपको शायद उसमें हेल्प होगी। तो जब भी आपको समय मिलता है, आज ही आप लोग jvconnect.info पे खुद को रजिस्टर कर लीजिए, सो यू विल ऑफिशियली बिकम अ पार्ट ऑफ द जीवन विद्या फैमिली। अभी तो आप लोग है ही, पर ये करने से वो उस पर एक ठप्पा पड़ जाएगा। हाँ, और बुक्स का जैसे मैंने बताया कि बुक्स मतलब प्रिंट भी है ही, जो हमने स्टॉल लगाया था। अगर आप बुक्स खरीदना चाहते हैं तो आज का आखिरी दिन है स्टॉल का, तो नीचे जाके आप ले सकते हैं। कल से वो स्टॉल नहीं रहेगा, बट ऑनलाइन PDFs फ्री फॉर्मेट सब अवेलेबल है ही सारे वेबसाइट्स पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। एंड फाइनली, गोष्ठी करना एक बहुत ही फ्रूटफुल चीज़ लगती है, कि जैसे हम यहाँ पे भी गोष्ठी करते हैं तो व्यक्त हो पाते हैं, दूसरों के विचारों को सुन पाते हैं, तो वो ही बनाए रखने के लिए हम जो जहाँ पे भी रहते हैं, जैसे अभी नागपुर का एक ग्रुप बन जाएगा इस शिविर के बाद, तो हम लोग मिल के हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार आपस में डिसाइड करके, टाइम वगैरह डिसाइड करके, साथ में बैठ के गोष्ठी कर सकते हैं। उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, उस पर सोम भैया और शेयर कर ही सकते हैं, बट गोष्ठियाँ भी एक अच्छा माध्यम है सबके साथ कनेक्टेड रहने के लिए और परस्परता में अध्ययन करने के लिए।
तो गोष्ठी वैसे तो जहाँ है वहाँ ऑफलाइन ही रहेगा, पर ऑनलाइन भी गोष्ठियाँ होती है अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग प्रबोधकों के साथ। हाँ, जो ऑफलाइन गोष्ठी होगी वो भी हम ऑनलाइन कर ही सकते हैं, तो बोथ वेज वो होगा। हाँ, तो वैसा। अभी जैसे हम नागपुर में हैं तो नागपुर में ही करेंगे, और उसके जो डिटेल्स है वो हम आपस में डिस्कस करके सबकी अनुकूलता के हिसाब से उसको डिसाइड कर लेंगे। तो ये मतलब मैं बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है अभी शिविर के बाद, तो सब मिलके इसको कर सकते हैं। हाँ, इसका फोटो लेके मैं ग्रुप पे डालूंगी। और भी कुछ लिंक्स है, जैसे यूट्यूब के शिविर है, वेबसाइट्स है, बुक्स के, या जो भी लिंक्स है वो मैं ग्रुप पे एक बार सब वो शेयर कर दूंगी। तो अभी तक अगर आप में से कोई ऐसा है जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है, तो आज प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब लोग वो ग्रुप पे है, तो आगे का सारा इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज आपको उस पे आ जाएंगे। थैंक यू। नमस्ते सभी को। अपने संस्कृति में एक प्रथा है कि जो अपने घर में पहली बार आता है हम एक छोटी सी भेंट वस्तु उसे देते हैं। आप सब हमारे परिवार से फिर से इस बार पहली बार जुड़े हैं, तो हम आपको एक भेंट वस्तु छोटी सी देना चाहते हैं। उसके बारे में मैं पहले बता देती हूँ कि ये नीचे रखा है एक राइस का पैकेट है, ब्राउन राइस का। ये हमने हमारे फार्म पे, कावा फार्म्स पे, जो भी आयोजन समिति में जो लोग हैं, शुभम है, शांतनु है, आशीष कुहू में, ये हमने सबने खुद उगाया है और ऑर्गेनिक है, खुद उगाया है। मैं अतिशयोक्ति नहीं है, हमने सीरियसली फार्म में जाके सारे वर्कर्स के साथ काम किया है, तो वो अलग आनंद आया है। और इसका जो बीज है वो भी हमने ऑर्गेनिक कहीं से मंगवाया है, तो वो बीज भी प्योर है। तो आप ज़रूर हर फैमिली एक एक पैकेट बिल्कुल कलेक्ट कीजिए और हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। ये आपको आग्रहपूर्वक विनंती है, और उसका घर जाकर ज़रूर आस्वाद भी लीजिए। थैंक यू। रुचि मूलक आस्वादन करें।